सभी को नमस्कार। सभी शुभ चिंतकों को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम और आत्मीयता से आप सबका स्वागत फिर से इस तीसरे दिन के दूसरे सत्र में, है ना? हाँ, नहीं ऐसा है, दूसरा ही मानते हैं, तीसरा भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसा भी हो। तो अभी तक एक बार हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, सार निकाल लेते हैं कि अभी तक क्या बात हुई। तो अभी तक ये बात हुई कि हम अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे वो किससे संचालित था? मान्यताओं से संचालित। हम अभी तक जो भी क्रियाकलाप कर रहे थे, मान कर रहे थे, आसपास में जो भी हम देखे सुने हैं उसी को मान लिए जो अच्छा लगा, और उनके अनुसार से हम सारा कार्य व्यवहार कर रहे थे, है ना? और उन्हीं के अनुसार से हमने कोई लक्ष्य या कोई सफलता बना ली थी, है ना? अपने जीवन का कोई उद्देश्य बना लिया था कि इतने पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, धन आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, पद आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, है ना? कोई पद में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी बीवी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, अच्छे पति मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसे ढेरों मान्यताएँ हमारे अंदर है और इनको ले करके हम जी रहे हैं, उन्हीं के अनुसार क्रियाकलाप कर रहे हैं। जैसे कि एक सपोज मैं कहूँ, मैं पूछूँ आप लोगों को कि कमाते क्यों हैं, कमाते क्यों हुँ? खाने के लिए एकदम सहज बात, क्यों डाली दीदी, है ना? हाँ, यानी कि अंततः खाने के लिए, है ना, सबकी भरण पोषण हो सके, ज़रूरत पूरा हो सके। अब खाते और खिलाते क्यों हैं, खाते और खिलाते क्यों हैं हुँ? शरीर को जिंदा रखने के, ये बहुत बढ़िया बात। क्यों चांदनी दीदी, क्यों खाती हैं आप? कि शरीर जिंदा रहे, है ना? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, हम किसी भी बात को नकार नहीं रहे, कमाना चाहिए भाई। क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि खाना चाहिए। खाना क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर को जिंदा रखना है। अब प्रश्न उठता है, शरीर को क्यों जिंदा रखें? ये भी प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा ना भाई? कमा रहे हैं बिल्कुल भैया, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कमाना आवश्यक, क्योंकि शरीर नहीं चलेगा। अब शरीर चल रहा है तो शरीर को क्यों चला रहे हैं? ये सोचने वाला विचार है कि नहीं? मानव जाति ये कर रहा है, इस पर वो विचार नहीं किया है, सोचा नहीं है, समझा नहीं, जाना नहीं, और बिना जाने अपने आप को यानी जहाँ तहाँ लगा रहा, दौड़ रहा। आज ही भैया बताए ना कि हम ऐसे ट्रेन में सवार हो गए हैं, कहाँ जाना है हमको पता ही नहीं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक आदमी दौड़ रहा, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, पूरी शक्ति लगा के दौड़ रहा, और उनको कहाँ जाना है ये पता नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी? थक के गिर के मर भी सकता है, है ना? समस्या आएगी ही। वैसे ही तो हम लोग भी दौड़ रहे हैं ना, सेम, हम भी तो वैसे ही दौड़ रहे हैं, अनजाने कहाँ जाना है पता नहीं है, दौड़े पे दौड़ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुँचना है हमें पता ही नहीं,
और उसी नहीं पता होने के कारण से तो हमारे में थकान है, चिंता है, भय है, कुंठा है, पीड़ा है, घुटन है, शिकायत है, ये सारे चीज क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। यही तो कारण है इसका। ठीक ठीक कहाँ जाना है यही ठीक ठीक हमको मालूम हो तो रास्ता सुगम हो सकते हैं। हाँ भाई, मैं अब यहाँ तक पहुँच गया, अब थोड़े से मंजिल और बाकी है, तो मैं उत्साहित रहूँगा, खुश रहूँगा। अभी तो कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है, यही नहीं पता। और इसी कारण से हमारे जीवन में सारी परेशानियाँ हैं, सारी समस्याएँ, सारी समस्याओं का जड़ है कि हमने खुद को नहीं पहचाना, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है, इसको ठीक ठीक नहीं पहचाना। और ठीक ठीक नहीं पहचानेंगे तो ठीक ठीक पहुंचना होगा क्या? नहीं। तो उसी की बात अभी ढाई दिन तक कोशिश किए, अभी तक के हम साधनों से ही सुखी होने का प्रयास किए, गलती से गलती को रोकने का प्रयास किए, अपराध से अपराध को रोकने का प्रयास किए, युद्ध से युद्ध को रोकने का प्रयास किए, अभी तक मानव जाति यहाँ तक पहुँची। पूरे मानव जाति के इतिहास में शुरू में जो खानाबदोश जंगल में जीवन यापन करता था, तो धीरे धीरे वो क्या खाना है ये भी पता नहीं था, है ना। वो खानों का तलाश किए तो देखिए कितने प्रकार के खाने हमारे पास उपलब्ध हैं, ये हमारी उपलब्धि है। हम कई प्रकार के सब्जी, कई प्रकार के भोजन आज ग्रहण कर पा रहे, ये हमारे पूर्वजों ने किया है, या हम ही लोग ही तो हमारे अपने पूर्वज थे, और कहाँ से बाहर आ जाए। हम सब ने ये सब कर लिया, खाने के लिए, पहनने के लिए कर लिया। देखिए कपड़े डेढ़, कहते हैं कि इतना कपड़ा बन गया है कि विश्व में 40 साल तक अगर कपड़ा नहीं बनाया जाए तो 40 साल तक कपड़ा लोगों को मिल सकता है, इतना बना चुके, उसके बावजूद बनाते चले जा रहे हैं। है ना, वैसे ही हर चीज़, इतने विकास, बहुत सारे विकास, बहुत सारी उपलब्धियां हम कर चुके हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, बहुत उपलब्धियों से हम, हमारी मानव जाति भरी। तो हम एकदम नकार नहीं रहे कि मानव जाति कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद जो वाकई में जो जिसके लिए बना है वो नहीं कर पाया, जिसके लिए वो बना है वही नहीं कर पाया है। ये सारे चीज़ की ठीक ठीक समझ नहीं हो पाई, न स्वयं को समझ पाया है, न शरीर को समझ पाया है, न परिवार को समझ पाया, न समाज को समझ पाया, न प्रकृति को समझ पाया, न ही अस्तित्व को समझ पाया। और इन्हीं के साथ हम जीते हैं, और जब नहीं समझ पाएंगे तो इनका ठीक से उपयोग कर पाएंगे क्या? ठीक से उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इनका दुरुपयोग करेंगे, अपना दुरुपयोग करेंगे, अपने मानसिकता का, अपने विचारों का दुरुपयोग करेंगे, अपने शरीर का दुरुपयोग करेंगे, जो हमको दिखाई पड़ रहा है। आज एक भी आदमी नहीं कह सकता कि शरीर से कि मैं स्वस्थ हूँ, है ना। दुरुपयोग का तो परिणाम है, क्या खाना है ये हमें नहीं पता है, पता भी है, सूचना भी है, फिर भी हम आसक्ति बस कुछ खाए जा रहे हैं, कुछ सोचे जा रहे हैं, कुछ किए जा रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक बात ठीक है ना? अब समझने का प्रयास करते हैं इसी में कि ये सारा चीज़, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वयं याने मैं क्या हूँ, मैं जीवन किसे कह रहे हैं। तो इसके पहले ना एक और हम होमवर्क कर लेते हैं, अभी एक और काम कर लेते हैं थोड़ा से, कि मानव की आवश्यकता क्या क्या है, इसको थोड़ा लिख करके
एक बार निश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आखिर मानव की आवश्यकता क्या क्या है ना। हम मानव हैं कि नहीं? हम सब मानव हैं, है ना? हाँ ठीक है, अभी जैसे भी हो देखने में मानो। अब वही आवश्यकता को हम लिख लेते हैं कि हमको अच्छे से जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, इसको देख लेते हैं अच्छा से। तो बताइए क्या क्या आवश्यक है आप लोगों के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? साधन। क्या साधन? हाँ हाँ साधन, यात्रा है, यातायात के साधन है ना। और क्या चाहिए? विचार भी चाहिए। विचार से क्या मतलब? हाँ अच्छे विचार चाहिए, है ना, सही विचार चाहिए, या उसी को कह सकते हैं सही समझ, है ना। समझ चाहिए, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? पहचान चाहिए, बहुत बढ़िया। भाई हर चीज़ की पहचान है, जैसे कुर्सी है ना, तो मानव की भी अपनी पहचान हो कि नहीं, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए ज्योति दीदी? आपको कुछ नहीं चाहिए, बस उतने में खुश हो जाएंगे, उतने में ही सही समझ चाहिए। और कुछ नहीं, बस इतनी आवश्यकता है मानव की। हाँ प्रकृति चाहिए, ठीक है, प्रकृति चाहिए, बहुत बढ़िया। यानी ये सब चाहिए, है ना। देखिए अभी आप लोग कह रहे थे कुछ देर पहले कि मानव की आवश्यकता अनंत है, कुछ देर पहले, और हमेशा हम कहते रहते हैं कि मानव की आवश्यकता अनंत है, असीम है, कोई उनका पार ही नहीं। और देखिए कितना बताए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 में ही सिमट के रह गए हैं, बता ही नहीं पा रहे। और कहने जाते हैं तो अनंत हैं, ऐसे कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? तो अनंत है तो बताइए ना, कहाँ अनंत है? हवा, पानी भी चाहिए। क्या चाहिए? हवा, जिंदा रहने के लिए। ये तो मिल ही रहा है ना, ठीक, प्रकृति से मिल रहा है, वो मिला ही हुआ है ना, वो मिला ही हुआ। उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक बोल रहे हैं। और कुछ भी नहीं चाहिए? मोबाइल नहीं चाहिए किसी को? हाँ घर, हाँ मकान तो हो गए ना, धन पैसा, बहुत बढ़िया। मानव के लिए पैसा आवश्यक है कि नहीं? स्वास्थ्य, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? सॉरी, स्वास्थ्य। और हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या क्या चाहिए आपको? मोबाइल नहीं चाहिए तो आपके पास है दो भैया, मुझको चाहिए कि नहीं चाहिए तो बताओ ना भैया, उसी को तो भौतिक संसाधन तो यही सब चीज़ है ना, नाम बताइए ना। मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? टीवी चाहिए कि नहीं चाहिए? टीवी, एरोप्लेन, रेलगाड़ी, ये सब नहीं चाहिए आप लोगों?
यातायात के साधन बहुत बढ़िया। सम्मान नहीं चाहिए, कैसे चांदनी दीदी? संबंधों में मधुरता बहुत बढ़िया, संबंधों में तृप्ति, सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए, स्नेह चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, वो तो हो गया मकान। विश्वास चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। और कुछ चाहिए? शिक्षा चाहिए, बहुत बड़ी शिक्षा। और कुछ? परिवार, बहुत बढ़िया। ये आ गए ऐसे संबंधों में तृप्ति, संबंध मतलब परिवार में ही संबंध जी। बताइए। और देखिए, बता डालिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं करके। कहते हैं ना आप ही लोग कि आवश्यकताएं अनंत हैं, इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकता, आदमी हमेशा दुखी रहेगा ही। आप बताइए ना, पूरा सोच लीजिए, आपको तो अवसर दे रहे हैं, सोच लीजिए अच्छे से। क्या आवश्यकता बढ़ता जाता है बताइए ना, उसी को तो बोल रहे हैं। स्वतंत्रता भी चाहिए। स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? सुख चाहिए, बहुत बढ़िया। जिसी के लिए सब चीज कर रहे हैं उसी को नहीं बता रहे हैं। प्यार, हाँ, प्रेम तो लिखा हो ना, देखो प्रेम, संबंधों में तृप्ति, वही उसी को कह रहे हैं। क्या चाहिए वेदु भैया आपको? आप मानो हैं, है ना, तो मानो की आवश्यकता क्या क्या है, मानव को क्या क्या चाहिए जिससे वो अच्छे से जी सके, तो उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कहा गया है कि ना कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, ऐसा अभी तक हम सुनते आए हैं कि नहीं, और बोलते भी आए हैं अभी तक। तो बताइए आपकी क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ कितना अनंत है बताइए। हाँ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लिखा हूँ, है ना, तो स्वास्थ्य में मैं स्वास्थ्य सुविधाएं, न्याय व्यवस्था चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। न्याय चाहिए, है ना, न्याय व्यवस्था मतलब न्याय चाहिए। बोलिए बोलिए खुल के, गलती हो जाए तो क्या दिक्कत भाई, तभी तो गलती होगी तो पता चले, हाँ गलती तो सुधार लेंगे, उसमें क्या, अपने लोग तो हैं सब। बताइए क्या चाहिए? सत्य चाहिए, ठीक, बहुत बढ़िया, सत्य चाहिए। हाँ, अधिकार चाहिए, बहुत बढ़िया, अधिकार भी चाहिए, तो कर्तव्य भी चाहिए, ऐसे होगा नहीं। और कुछ चाहिए तो बताइए, अभी बाद में शिकायत नहीं करेंगे कि हमको ये नहीं मिला करके।
संतोष चाहिए, सुख संतोष है ना, सब एक ही चीज है, लिख देते हैं, ठीक है, एक ही कैटेगरी की है ना। बताइए, फिर बाद में मत बोलिए वेदु भैया, बाद में शिकायत करेंगे तो हम उसके लिए जवाबदार नहीं होंगे। अभी मैं बोल डालिए कि क्या क्या चाहिए। हाँ, परिवार, वही तो है ना, संबंधों में तृप्ति, परिवार चाहिए, ठीक, बढ़िया। हाँ, उसी को समझने का प्रयास, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों कर रहे हैं उसी को समझने का प्रयास करेंगे ना। अब इसी को अब हो गया ना, सबकी आवश्यकता पूरी हो गई। हाँ ठीक ठीक, बहुत बड़ी सही बात बोल रहे हैं। अब इसको हम जांचने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज किसके लिए, क्या चीज किसके लिए। जैसे रोटी शरीर के लिए है कि जीवन के लिए, तो एक चीज को राइट लगा देते हैं ना, ये शरीर के लिए, शरीर वाले को राइट का निशान करते। कपड़ा भी, मकान भी, यातायात, सुख, सॉरी, समझ किसके लिए है, जीवन की, पहचान किसको चाहिए, जीवन की अंततः जीवन की पहचान चाहिए, पैसा किनको किसके लिए चाहिए, शरीर के लिए, और पैसा भी क्यों चाहिए इसको भी सोच लेते हैं। भाई ये सारे वस्तु मिल जाए तो आपको पैसा, पैसा को क्या करोगे, हाँ, वस्तुओं के लिए पैसा चाहिए ना, अभी वस्तुओं के लेन देन का माध्यम है पैसा, इसलिए पैसा चाहिए। अब वो वस्तु आपको मिल गया तो पैसे को क्या करें, अभी पैसों का हवा है कि पैसे होंगे तो मैं सुखी रहूँगा, अंततः हमको पैसा नहीं चाहिए रहता है, क्या वस्तु ही चाहिए रहता है। तो ये भी हमारे मान्यता का बहुत बड़ा कारण है, अभी हम पैसे कमाने में लगे हैं, वस्तु बनाने में नहीं लगे हैं। पैसे कमाना अभी पूरा भ्रम जाल क्या है कि किसी प्रकार से पैसे आ जाए, और पैसे पैसे आ जाए, वो भी पैसे क्या चीज़ है कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कागज का टुकड़ा। पैसा क्या चीज़ है चांदनी दीदी, पैसा क्या चीज़ है, सरकार के द्वारा कुछ मान्यता प्राप्त एक कागज का टुकड़ा, कागज ही है, उसके माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं, अंततः पैसा भी क्यों ऐसे ही बनाते हैं, क्या सरकार पैसा ऐसे ही बना देता है, उसके पीछे भी वस्तु रखते हैं, सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, इतना सोना होगा तो इतने करोड़ रुपया बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बनाएंगे तो आपके पैसे को दूसरे देश मान्यता नहीं देंगे, नहीं तो पैसे बना लेते अंबार, फिर दूसरे देश का सब सामान ला लेते, ऐसा होता ना, तो पैसा ऐसे भी नहीं बनाते, पैसे के पीछे वस्तु होती, पहले क्या है सोने से लेन देन करते थे ना, सोने के सिक्के के माने चांदी के सिक्के से, अब वो ज़्यादा नहीं है तो उनको एक आधार बना के उनके आधार पर कागज का नोट आ गया। तो ये नोट क्यों चाहिए ये भी हमको अच्छे से पता हो कि वस्तु के लिए ही चाहिए, नोटों से हमारे ये आवश्यकताओं की पूर्ति होगी क्या, नोटों से आवश्यकताओं की पूर्ति होगी कि वस्तु से, वस्तु से, तो अंततः हमको पैसा नहीं चाहिए वस्तु चाहिए, अभी वो पैसा से मिल जाता है इसलिए पैसा चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य किसके लिए है,
शरीर के लिए, मोबाइल, टीवी, इसमें टीवी में भाई कुछ अच्छे कार्यक्रम दे सकते हैं तो जीवन का भी काम हो सकता है, तो ये दोनों का हो सकता है ना सर। सर स्वास्थ्य, मैं पैसा के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, पैसा मनी इज कॉन्फिडेंस, जब हमारे कागज टुकड़ा है वो ठीक है, लेकिन जेब में पैसा रहता है, मैं कहीं निकलता हूँ तो मेरे में कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कुछ ले लूँगा, खा लूँगा, ये कर लूँगा, जो भी है। बहुत बढ़िया, ये एक प्रकार का कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात, मनी इज कॉम्पिटिशन, आज के दुनिया में मनी पैसा कमाने का कॉम्पिटिशन चल रहा है एक दूसरे से, छोटे को छोटे स्तर में, बड़े को लोगों को बड़े स्तर में, अडानी अम्बानी से लेकर मेरे और मेरे से छोटे सबका, ठीक है। पैसा का कॉन्फिडेंस तब तक है जब तक पैसा से कुछ वस्तु मिलता है। जिस दिन, जैसे ही मोदी जिस दिन से बोले कि 500 और 2000 के नोट आज के बाद उनकी कोई मान्यता नहीं होगी, उस दिन उन पैसे के गड्डी को रख करके जाके दिखाइए, विश्वास से भर के दिखाइए। तो असली मतलब यह है कि उस पैसा से वस्तु मिलती है, अगर वस्तु नहीं मिले तो वो पैसा को मैं क्या करूंगा, उससे मेरा क्या विश्वास आएगा, कहाँ का विश्वास। अंततः तो वस्तु से है ना। अभी श्रीलंका में क्या हुआ, यही है कि भाई 880 रुपया किलो मिर्चे, 475 रुपया बैंगन का किलो, ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ, पेट्रोल 500 रुपया किलो, वहाँ वस्तु की कमी पड़ गई। एक वेनेजुएला नाम के एक देश, वेनेजुएला नाम के एक छोटा सा देश है, जहाँ तेल का, तेल यानी तेल निकाल के बेचते थे, तो सरकार के पास खूब पैसा आया तो लोगों को फ्री में बांटे सरकार ने, वहाँ अपने देश के लोगों में खूब बांटे। अब लोगों के पास पैसा आएगा तो काम करना चाहेंगे क्या, नहीं चाहे, तो किसी ने कोई काम नहीं किया तो कोई वहाँ वस्तु ही नहीं रहा। तो लाखों रुपया दे करके भी उस देश में एक किलो अनाज नहीं मिलता था, अभी कुछ साल पहले की बात। सर ये पैसा ना सिंधु सभ्यता में बाटा सिस्टम था। हाँ हाँ, बाटा सिस्टम, उसमें जो है मैं आपको चावल दूंगा तो आप मेरे को उसके बदले में गेहूं दोगे, जिसके पास तेल है उसके बदले सामान का आदान प्रदान होता था, उसी को वस्तु इनमें प्रथम। हाँ हाँ ना, एक वस्तु को अंततः वही है, आज भी वही है कि भाई हम कोई चीज वस्तु पैदा कर रहे हैं, उस वस्तु से कुछ पैसा मिल रहा है, उसी वस्तु अब उसको सीधे ट्रांसफ़र नहीं करके पैसा के माध्यम से उनमें कर रहे हैं, अंततः तो वस्तु ही ट्रांसफ़र हो रहा है ना। जैसे एक किसान धान उपजाता है तो धान को बेच करके दूसरे वस्तु खरीदता, तो इनमें तो अंततः वस्तु का ही हो रहा, पैसा एक माध्यम बन गया है। क्योंकि जैसे यहाँ से अब मुझे दिल्ली जाना है, तो यहाँ अगर मैं भाई सारे खाने पीने के वस्तु को लेके जाऊं तो उससे असुविधा होगी, दिल्ली जाना है तो असुविधा है, तो उस असुविधा को दूर करने के लिए मुद्रा लाया। लेकिन उनकी क्या गलती हो गई कि आज जो चोरियां हो रही हैं, ज़्यादातर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो वो किन के कारण से, मुद्रा के कारण से। भाई 50,000 के लाखों करोड़ों के चेक को चोरी कर ले, लेकिन 50,000 के सामान को कोई एक बार में चोरी करके ले जाएगा क्या, तो चोरियां भी बड़ी, उनके फायदे भी है तो नुकसान भी। और इसको भी आगे ठीक से समझना पड़ेगा कि कैसा हमको मुद्रा चाहिए, क्या चीज़ है, उसको आगे देखेंगे। तो और आके आते हैं संबंधों में तृप्ति, ये जीवन की आवश्यकता है कि शरीर की, जीवन की, बहुत बड़ी, सम्मान,
प्रेम, स्नेह, विश्वास, सुरक्षा, शरीर सुरक्षा और जीवन सुरक्षा भी है। जीवन जो है समझ से या ज्ञान से सुरक्षित होता है, अपने आप को महसूस करता है ना। तो ये दोनों की आवश्यकता है, सुरक्षा जो है शिक्षा जीवन की, स्वतंत्रता जीवन की, सुख न्याय जीवन की, सत्य जीवन की, अधिकार जीवन को ही चाहिए है ना, कर्तव्य भी जीवन को ही करना। तो देखिए इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला। तो इससे इतने से हम सोच सकते हैं, कई निष्कर्षों तक हम पहुंच सकते हैं। एक तो हमारी आवश्यकता कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, एक शरीर की आवश्यकता और एक जीवन की आवश्यकता। तो हम अभी किसकी आवश्यकता को पूर्ति करने में लगे हुए हैं, शरीर की आवश्यकता को पूर्ति में लगे, और हम सुखी हो जाएंगे ऐसा चाह रहे हैं। पूरा मानव समाज एक पैर से चल रहा है, लंगड़ा है। मैं दो चीजों से मिलके बना हूं, मानव दो चीजों से मिलके बना है, और एक की पूर्ति करके वो सुख चाहता है। इसी कारण से तो हम अधूरा, हमें खालीपना, अधूरा, चिंता, बेचैनी, ये सबका कारण ये है। हम ठीक नहीं, अपनी आवश्यकताओं को भी ठीक से नहीं पहचान पाए कि मेरी दो प्रकार की आवश्यकता है, और मैं केवल एक के पूरा करने से दूसरे की पूर्ति हो जाएगी ऐसा समझ रहा हूँ। कि इसी, आप जो बोल रहे थे ना वैरायटी, वैरायटी हम क्यों कर रहे हैं, भोजन की वैरायटी बढ़ाना क्यों चाह रहे हैं, ताकि जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाए, इसलिए नहीं हो रही। हम रोटी, कपड़ा, मकान को बढ़ाने का, इसी को ट्रायंगल कहते हैं, बेडरूम, किचन रूम और बाथरूम, इन तीन चीज़ों को स्पेशल करने का प्रयास कर। जब आदमी के पास पैसा आता है तो क्या करता है, इन्हीं तीनों चीज़ को अच्छा करता है। कि इन तीनों को अच्छा करके जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी क्या, हो जाएगी? यही कारण है, इसी को हम ठीक से नहीं समझ पाए। ये पहला निष्कर्ष। अब हम दूसरा निष्कर्ष एक और निकाल लेते हैं कि अभी तक हमने ठीक ठीक मानव की आवश्यकता को समझने का प्रयास ही नहीं किए। कि मानव की आवश्यकता असीम है और साधन सीमित है, तो भाई कहें कि यहाँ पे कुछ चीज़ रख दीजिए, रख दिया जाए खाने का, भाई दो रख दिया जाए यहाँ पे, और इतने सारे खाने वाले हैं तो सबको खाना है, आइए ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, टूट पड़ेंगे ना, लड़ाई झगड़ा होगी कि नहीं। इसीलिए हम टूट पड़े हैं कि आवश्यकता भाई अनंत है और साधन सीमित है, इसीलिए कमाओ, धन इकट्ठा करो, जैसे भी हो, किसी के सर पे पैर रख के भी हमको कमाना पड़े तो भी कमाओ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये किस कारण से, ये अंधाधुंध इसी मान्यता के कारण से, जबकि उस समय समझाएं कि पदार्थ अवस्था, देखिए प्राण अवस्था से अधिक क्या है, पदार्थ अवस्था है ना, मिट्टी, पानी, आग, हवा सबसे ज्यादा मात्रा में, तो इसको क्या चाहिए, ये पदार्थ, मिट्टी, पानी, आग, हवा चाहिए, तो इससे ज्यादा ये चीज है कि नहीं है, और इसके लिए ये दोनों चीज की आवश्यकता है जीवावस्था की। तो जितने भी जीवावस्था है उससे अधिक पेड़ पौधा और मिट्टी, पानी, आग, हवा है कि नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। वैसे ही ये तीनों चीज मानव को चाहिए,
तो मानव 800 करोड़ ही है और जीव जंतु कितने सारे हैं, पेड़ पौधे कितने सारे हैं और मिट्टी पानी आग हवा ये सारे जितने हमको चाहिए उससे पर्याप्त है कि नहीं है। उसी को बता ही रहे थे कि भारत में 2.5 गुना अधिक उत्पादन होता है जितनी जनसंख्या है, 1 अरब 40 करोड़ के लगभग जनसंख्या पे हम पहुंच चुके, उसके 2.5 गुना अधिक उत्पादन होता है, लेकिन सही समझ सही वितरण नहीं होने के कारण से एक भूख से मर रहा है और एक खा खा के मर रहा है। अधिकतम बीमारियां तो खा खा के हो रही है ना भाई, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनको उतनी ही बड़ी बीमारी, उनको क्या है 5000 की साइकिल नहीं चलाना पड़ता, चला नहीं सकते, उनको फिर क्या है 50000 की साइकिल चलाना लेना पड़ता है व्यायाम करने के लिए, किनको लेना पड़ रहा, और जहाँ जिस साइकिल से कहीं पहुँचना नहीं हो रहा, पहुँचने और चलाते लेकिन पहुँचते क्या, कहीं पहुँचना नहीं होता है कि नहीं। बिल्कुल, तो ये हमारी मानसिकता का ही है, हमारी नासमझी के कारण से अव्यवस्थाएं हो रही है। जैसा मैं हूँ वैसे तो सबको ही है ना संसार का, जैसे मेरे अंदर मान्यता है वैसे सबके अंदर मान्यता, सब ने कुछ का कुछ मान लिया है और यही हमारे दुख का कारण है, ऐसे हर जगह देख सकते हैं। तो भाई इससे क्या सूत्र निकल के आता है कि साध हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं और निश्चित हैं, हमको कितना रोटी चाहिए एक दिन में निश्चित है कि नहीं, कि अनिश्चित है कि हम एक दिन में यानी बता ही नहीं सकते हम कितना भी खा लेंगे, ऐसा होता है कि हमको एक दिन में कितने कपड़े लगते हैं निश्चित है कि नहीं, सब चीज़ निश्चित सीमित है और साधन पर्याप्त है कि 800 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी होगा ना तो ये धरती में सबके सुखी होने की सुखपूर्वक जीने की पूरी व्यवस्था, कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं, कोई जनसंख्या की समस्या, हमारी मानसिकता है क्योंकि हमने सही तरीके से पहचाना ही नहीं अपनी आवश्यकताओं को और किससे हम सुखी होंगे इसको हम ठीक ठीक पहचान नहीं पाए हैं, आकलन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, समझ रहे हैं वेदराम भैया जी, और इसी कारण से समानता नहीं आ रही और हम शरीर में समानता ढूंढ रहे हैं, शरीर में कैसे समानता आएगी, कपड़ा तो भाई अलग ही पहनेंगे लोग, कोई 2 रोटी खाएगा कोई 3 रोटी खाएगा, इसमें समानता हो ही नहीं सकती, समानता कहाँ पे होगी विचारों में, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, शरीर तो होगा ही लेकिन कहाँ छोटा बड़ा नहीं होगा, जीवन छोटा बड़ा नहीं, वहाँ से समानता हो सकती, शरीर से समानता करने जाएंगे कभी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना भैया, तो शरीर से समानता कभी भी नहीं किया जा सकता, आदमी यहाँ से समान होगा और यहाँ से समान होगा अगर यहाँ अगर समझ में आता है तो सब इधर भी जो इतने खाइयाँ हैं ना अमीरी गरीबी की है ना, जो जात पात की धर्म यानी मत मजहब की जितनी भी खाइयाँ हैं सब धीरे धीरे मिटने लगे, सब खाइयाँ मिटने लगे, एक बार आदमी को समझ में आ जाए, आदमी अभी समझ नहीं पाया, चाहता बहु बढ़िया, आदमी गलत नहीं समझना ही तो चाहता है, आप सब समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते, कि विडम्बना ये है मैं तो समझना चाहते हूँ सामने वाला नहीं समझना चाहते, ये भी तो लड़ाई कारण होता है, तो हम ठीक ठीक समझ पाए हैं क्या, कैसे भूमिका बहन जी, मैं तो समझना चाहता हूँ, मेरे घर वाले समझना चाहते हैं ये मान लिए, वो भी समझना चाहते,
हम वैसे आचरण प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए हमसे नहीं समझना चाहते। समझना वो भी हर कोई चाहता है, अभी यही तो मान लेते हैं हम। जब मैं समझना चाहता हूँ तो हर आदमी समझना चाहता है ना, तो मेरे परिवार वाले कैसे नहीं समझना चाहेंगे। हमको समझाना नहीं आया या हम वैसे बात रख नहीं पाए, अब मैं वो डांट के डपट के तुमको समझना पड़े तो कैसे समझेंगे। तो समझना हर आदमी चाह रहा है, सही करना हर आदमी चाह रहा है, समझ नहीं होने से गलती हो रही। तो गलती कर रहे हैं कि हो रही है, गलती कर रहे हैं कि हो रही है, कैसे हो, अनजाने में हो रही। भाई कोई चीज हमको नहीं पता होता तो गलती होती है, करते हैं कि होती है, कैसे अशोक भैया जी, गलती करते हैं कि होती हो जाती, करना क्यों नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन एक डाकू जब करता है तो हम क्या कहते हैं, जी जी हाँ, यानी कि समझ नहीं होने से गलती होती, ये ठीक कह रहे। पूरी सच्चाई की समझ नहीं होने के कारण से हमसे गलती हो रही। तो लड़ाई का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है ना कि मैं तो गलती नहीं करना चाहता, लेकिन सामने वाला जानबूझ के गलती करता है। हमारे लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण ये है, मेरे से गलती हो गई तो अनजाने में हो गई भैया, लेकिन जब दूसरे से गलती होती है तो कैसे करते हैं, तुमने जानबूझ के किया, तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मान, यही हमारे गुस्सा का कारण। हम नहीं समझ पाए ना कि हर आदमी, एक और बहुत बड़ा सूत्र है अभी तक आया नहीं है कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए, मानव का सारा प्रयास केवल और केवल किसके लिए है, सुख के लिए। आप एक भी प्रयास कर ये बता दीजिए कि दुख के लिए मैं ये काम करता हूँ करके बता दीजिए। चलिए कोई बताना चाहेंगे कि आप दुखी, कोई दुखी होने के लिए प्रयास करता है, दुखी होने के लिए कुछ करते हैं आप, क्यों चांदनी दीदी दुखी के होने के लिए कुछ करती हो आप, ज्योति दीदी कैसे दीदियां आप लोग करती हैं, नहीं करती है। हाँ उसमें भी हमारी मान्यता है, हम अंततः दूसरे को दुखी करके हम सुखी होना चाहते हैं, ये माने बैठे हैं कि दूसरे को दुखी करके मैं सुखी हो जाऊंगा। यानी दूसरों ने गलती किया तो अब उस गलती किए उसको नहीं समझ पाए, दूसरा गलती क्यों कर रहा है इसको नहीं समझ पाने के कारण से हम उसकी गलती को रोकने के लिए एक और गलती करते हैं। उसी को कहे ना गलती को गलती से रोकना, उसको गलती कैसे रुके, वो रुकने उसको रुक जाए उसके लिए हमारे पास समाधान नहीं, सॉल्यूशन नहीं, कैसे उनकी भी गलती रुक जाए हमारे पास समझ नहीं। अगर वो हमारे पास समझ होगी तो हम गलती को गलती से रोकना नहीं चाहेंगे, गुस्सा नहीं आ सकता। समाधान नहीं होने से गुस्सा आता है कि सामने वाला कुछ गलती किए तो वो क्यों किए ये पता नहीं होने के कारण से मैं उस पर क्रोधित हो जाता हूँ, यही मेरे अयोग्यता का प्रदर्शन है, असक्षम हूँ उसको समझने के लिए और उसका प्रदर्शन करता हूँ क्रोध करके। समझ में आ रहा है ना, तो ये भी आप कर्म नहीं बता सकते हैं, मैं पूछूंगा आप लोग नहीं बता रहे हैं तो। कोई आदमी आत्महत्या करता है कि नहीं करता, तो सुखी होने के लिए कर रहा है, कैसे डॉली दीदी
दुखी है कि इसलिए कर रहा है कि तो सुखी सुख के लिए तो नहीं कर रहा है ना। हाँ बताइए, बहुत बढ़िया। अब माइक माइक नहीं है क्या? जो कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है तो वो तो भाई दुख के लिए कर रहा है ऐसा लगता है। वो अपनी जानकारी में तो सुख के लिए कर रहा है, जहाँ तक उसकी जानकारी है ऐसा वो कर रहा है कि अब ये झंझटों से छूट जाऊँ, सुखी के लिए ही कर रहा है। बहुत बढ़िया। दुख से परेशान होकर सर, मैं ड्यूटी में सर कई लोग कटते हैं तो देखा हूँ मैं, मतलब ना ऐसा होता है कि आदमी ट्रैक में आता है मरने के लिए, फिर उसे अचानक मन बन जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है, फिर जैसे तक सर के सामने वो 2-3 बार ऐसी किया फिर आ गया, अंत में आ ही गया वो, ऐसा मतलब कई ठो केस हुआ है। तो वो क्यों हम लोग पूरा देखते हैं, समझने का प्रयास किए हैं। ये जो है लॉन्ग प्रोसीजर रहता है सर, वो लॉन्ग टाइम से ना परेशान रहता है। कोई जो सुसाइड कर रहा है उसका जो दुख झेलने का शक्ति जो है ना मतलब अक्षम हो जाता है एक प्रकार से, अब सहन नहीं कर पाऊंगा मैं, बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब मेरे मरना ही तय है। दुखी होने के लिए कर रहा है, मेरा प्रश्न क्या है, वो दुखी होने के लिए कर रहा है कि सुखी होने के लिए कर रहा है? हम तो अभी सूत्र किए ना कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए, तो कोई मर रहा है तो सुख के लिए कैसे? हाँ ये तो कर रहा है लेकिन उससे सुखी कैसे हुआ? बढ़िया है, एक सब सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो क्यों मर रहा है, क्योंकि अब उनके पास समाधान नहीं है, तो इतना ज़्यादा दुख हो गया है तो उनको ये लग रहा है कि मरने से दुख कम हो जाएगा, अंततः सुख ही जा रहा है, तो दुख को कम करने के लिए मरता है, अंततः सुख की ओर बढ़ा है ना, यानी सुख के लिए ही कर रहा है ना वो, कि इतना ज़्यादा दुख घना हो गया कि अब सह नहीं पा रहे हैं, तो ये दुख कैसे कम हो जाए, तो वो दुख को कम करने के लिए सुसाइड कर रहा है, अंततः अब सुख की ओर ही गति। हाँ तो ये क्लियर है ना कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए, चोर भी चोरी कर रहा है तो लेकिन पता नहीं है इस कारण सुखी नहीं हो पाता है, वैसे ही हम सारा प्रयास सुख के लिए कर रहे हैं लेकिन ठीक ठीक समझ नहीं है इनके कारण से दुखी, तो ठीक ठीक अगर समझ हो तो ठीक ठीक कर पाएंगे, है ना। तो इस पे आते हैं, एक निष्कर्ष ये निकल गया कि मानव की आवश्यकताएं अनंत नहीं हैं, सीमित हैं और साधन पर्याप्त है, तो हर आदमी अच्छे से जी सकता है। अब इस आवश्यकताओं को देखने गए तो दो प्रकार की आवश्यकता है, तो इस आवश्यकताओं को भी हम थोड़ा से और अच्छे से देखने का प्रयास करें, इसको और इसको देख करके बताएंगे कि शरीर की आवश्यकता कैसी है और जीवन की आवश्यकता कैसी है, उसको एक बार और अच्छे से देखें तब अंतर समझ में आएगा, तब क्या है हम अच्छे से जीवन को जान पाएंगे और जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए एक ये टेबल बना लेते हैं, इसको और देखने का प्रयास करते हैं दोनों में क्या अंतर है।
ये दो सब दोनों की आवश्यकताओं को अभी देखें ना, तो दोनों में अंतर क्या है? शरीर की आवश्यकता और जीवन की आवश्यकता में अंतर क्या है? बहुत बढ़िया, नापा जा सकता है, ना मापा जा सकता है, इसको मापा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और बताइए, बहुत बढ़िया, इसको खरीद सकते और इसको नहीं खरीद सकते। और बताइए, बहुत बढ़िया, और बताइए, इसको ठीक से समझिए, इसी से तो दोनों में डिफरेंस का ठीक से पता चलेगा, फिर हम आगे जीवन की ओर और उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं उसको समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे वाकई में है कि नहीं। ठीक ठीक, और बताइए, सोचिए, इसकी आवश्यकता क्षणिक है, बहुत बढ़िया, यह सीमित है और ये इसको देखा जा देख सकते आँखों से देख सकते हैं। ये आँखों से दिखता है, प्रेम आँखों से दिखता है ना, इसको महसूस कर, और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, यानी कार्य करना पड़ता है, और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समझना पड़ता है। इतना पर्याप्त है, और बहुत सारे लिख सकते हैं और सोच सकते हैं, अभी समझने के लिए इतना पर्याप्त है। इसको और समझ लें, अभी तक क्या है, शरीर के लिए आवश्यकता के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हम वस्तु को खरीद सकते हैं, जैसे गेहूं को खरीदते हैं, गेहूं को हाँ उत्पादन भी करते हैं, वो ठीक है, एक अभी खरीदने वाले में कर, गेहूं को खरीदते हैं कि किसको खरीदते हैं, ठीक से बताइए। जैसे गेहूं की कीमत होती है, गेहूं की दो, इसको एक कीमत और मूल्य ये कर लेते हैं, वस्तु, तो वस्तु यहाँ पे गेहूं लिखते हैं, तो गेहूं का मूल्य क्या है, कीमत क्या है,
मूल्य और कीमत में अंतर समझते हैं क्या? किसे कहते हैं? डॉली दीदी बताइए, कीमत और बताइए, मूल्य को क्या कहते हैं? उपयोगिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूल्य मतलब है उसकी उपयोगिता। गेहूं की उपयोगिता क्या है? गेहूं की उपयोगिता क्या है? भोजन यानी पोषण। गेहूं की उपयोगिता क्या है? पोषण। और कीमत क्या है? अभी 35 रुपया है ना, 30 से 35 रुपया। ठीक है, ऐसे और कोई चीज का भी लिख सकते हैं। आप देखते हैं सोना, सोना का मूल्य क्या है? उपयोगिता क्या है? दवाई के काम आता है। बहुत बढ़िया, कुछ दवाई में उपयोग होता है और स्त्री लोग श्रृंगार के लिए, आभूषण के लिए करते है ना, तो दवाई मेन उपयोगिता तो दवाई के लिए, क्योंकि श्रृंगार तो श्रृंगार क्यों करते हैं? श्रृंगार क्यों करते हैं? क्योंकि लोग हमसे प्रभावित हो, हमको सम्मान दे, इसके लिए श्रृंगार करते हैं ना। समझ होगी तो श्रृंगार उपयोगिता रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सोना का मूल्य दवाई, दवाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उनका रेट कितना है? 65,000। वैसे ही हवा का लिख लेते हैं, दवाई बनाते हैं ना, आयुर्वेद दवा में स्वर्ण भस्म मिला होता, वो कई प्रकार के रोगों के लिए काम, कैंसर के रोग में इसका बहुत इस्तेमाल करते। जो इनके प्रणेता हैं बाबा एकनाथ राज जी, वो वैद्य थे और बड़े बड़े कैंसर, किडनी फेल इन लोगों का इलाज करते थे, तो उसमें जो कैंसर के इलाज में स्वर्ण भस्म मिलाया जाता है, चांदी भस्म, लौह भस्म, सोने का ही, जो सोने का टुकड़ा ही है ना, उसको बारीक कर देते हैं और उसको कुछ प्रक्रिया द्वारा भस्म तैयार करते, जला के उनका राख बनाते हैं और मिलाते हैं, जो दवाई का काम आता है। हवा का क्या मूल्य है? श्वास लेना है ना, प्राण, इसके बिना तो प्राण ही नहीं रहेगा, प्राण वायु है। और इसका मूल्य एक सॉरी कीमत है ना, इसका कीमत दे सकते हैं हवा का? यही इसी चीज को कोरोना में मिल रहा था सर, 3,000 टंकी में। हाँ, कोरोना समय में 3,000 रुपए में मिल रहा था टंकी। हाँ, वो असामान्य स्थिति है, ठीक है, है ना। अभी तो हमको कोई कीमत नहीं देना पड़ रहा है ना, आगे देना पड़ सकता है, क्योंकि हम पूरा प्रदूषण करते जा रहे हैं, तो आगे से सिलेंडर भर के मिलेगा इतना इतना छोटा, और उसी से सांस लो, ऐसा करेंगे, वही लगाए हुए ऐसे घूमते रहेंगे है ना, क्योंकि वैसा काम कर रहे हैं। आगे तो भाई प्रदूषण हो जाएगा, तो वही व्यवस्था करना पड़ेगा, जैसी अभी स्थिति है उनके अनुसार से। अभी पानी खरीद रहे हैं सर, बाद में हवा भी खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो हवा को अभी नहीं खरीदना पड़ रहा। ऐसा क्यों है कि इसको
खरीदना पड़ रहा है और इसको नहीं खरीदना पड़ रहा है। जैसे गेहूं को खरीदना पड़ रहा है, सोना को खरीदना पड़ रहा है और हवा को नहीं खरीदना पड़ रहा है, तो किस चीज का हम कीमत दे रहे हैं? वस्तु का कीमत दे रहे हैं कि किस चीज का कीमत दे रहे हैं? जो सीमित है उसका कीमत दे रहे हैं सर। वस्तु की कीमत देते हैं तो हवा भी तो वस्तु है ना, उनका कहाँ कीमत दे रहे हैं? ठीक से नहीं समझ पा रहे। सारे वस्तु अमूल्य है, उसका कीमत चुकाया नहीं जा सकता है। हम ये 30-35 रुपया दे रहे हैं उस गेहूं का दे रहे हैं कि उनके श्रम का दे रहे हैं? श्रम का दे रहे हैं ना। हम गेहूं को कहां, गेहूं तो अमूल्य, गेहूं को आप कितने मूल्य दे करके खरीद सकते? अभी श्रम दे करके, श्रम का कीमत दे करके हम उसको खरीदते हैं। तो मैं ये इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अब गेहूँ ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है कि सोना, और हम किनका कीमत जाना देने के लिए तैयार हैं? देखिए, तो हम समझदार हैं कि ना समझ? भाई अभी हमने ही बना दिया ना मांग पूर्ति को, हमारे मान्यताओं से मांग पूर्ति के अनुसार कीमत तय हो रहा कि आवश्यकता जिसकी उपयोगिता है उनके अनुसार से मांग उनकी कीमत तय होगी। देखिए, ये मूल्य कभी नहीं बदलते। 100 साल पहले भी गेहूं पोषण करने का काम करता था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेगा, लेकिन हम बिगाड़ देंगे तो आज जितना कर रहा है, पहले जितना करता था बिना रासायनिक खाद वाले गेहूं, तो कितने लोग स्वस्थ होते थे, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग कि गेहूं को खराब कर रहे हैं, यानी खाने के वस्तु। एक चीज लिख करके मैं सारे चीज को बोल रहा हूँ, है ना, सारे चीज को मैं बोल रहा हूँ। तो कितने अच्छे आदमी हैं हम लोग कितनी अच्छी समझ है हम लोगों। तो हम किस चीज की कीमत देते हैं? श्रम का देते हैं। और कौन सी चीज ज्यादा मूल्यवान है? गेहूं की सोना। तो खाने की चीज ज्यादा मूल्यवान है, और आज हम जब बाजार में जाते हैं तो किनके साथ मोल भाव करते हैं? और वही आज सबसे ज्यादा लाचार कौन है? उसके पैदा करने वाले। तो हम सही नीति नियम बनाए हैं, हम सही नीति नियम बनाए हैं। आज हर साल भारत देश में 5-7 लाख किसान खेती छोड़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में एक भी आदमी खेती नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ना तो उनको ढंग से पैसा मिल पाता है, ना तो सम्मान मिल पाता है समाज में। तो कौन करना है आज? भाई कोई भी आदमी प्रोत्साहित कब होता है? जब उसको सम्मान और पैसा मिलता है। तो हम सबसे मूल्यवान लोगों को, किसान जो सबसे मूल्यवान है, विष्णु भगवान है, अन्नदाता है, उनको सबसे अमूल्यन, सबसे नीचे उनका मूल्य, उनका सम्मान बचा के रखे नहीं, तो आने वाले दिन श्रीलंका जैसे हालत हमारे यहाँ भी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इन सब के पैदा करने के लिए क्या चाहिए? कार्य चाहिए। श्रम से पैदा होता है कि पैसे से मिल जाता है? अभी शहर के बच्चों को पूछिए, एक बच्चे को, कि दूध कहाँ से आता है, तो वो कहते हैं दुकान से आता है। उनको पता ही नहीं है कि गाय से दूध मिलता है। गेहूँ कहाँ से आता है, तो मॉल में से आता है। उनको पता ही नहीं है खेत में उत्पादन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ये बताया ही नहीं जा रहा है। उनके लिए जो आवश्यक हैं
वो चीज़ से उनको रूबरू उनकी जानकारी नहीं दें, ऐसी शिक्षा हमारी नहीं है ना, ऐसे माँ बाप भी नहीं चाह रहे क्योंकि मान्यताओं में फंसे, पैसे से सारा चीज़ हो जाएगा। पैसे से होगा क्या? और पैसा ही कमाने पैसा ही बनाने में लगे, हम वस्तु उत्पादन में नहीं लगे। आने वाले दिन में बहुत समस्या होने वाली है अगर कोई खेती ना करे, पूरे भोजन की समस्या, हर चीज़ की समस्या हो जाए। तो शरीर व्यवस्था के लिए कार्य, और शरीर उसी के लिए बना भी है, हाथ पैर उसी डिजाइन में अस्तित्व में, कि हमको ऐसे डिजाइन बना है अस्तित्व में कि हम इसके द्वारा काम कर सकते हैं और इतना काम कर सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, एक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं अच्छे से। ऐसा डिजाइन दिया व्यवस्था, ऐसा अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था, और उससे हम स्वस्थ भी रहेंगे। हम इस व्यवस्था को नहीं समझने के कारण से तकलीफ पा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और ये अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो शरीर की आवश्यकता के लिए कार्य आवश्यक, और जीवन की आवश्यकता के लिए समझ आवश्यक। तो ये सीमित प्रेम सीमित चाहिए कि असीमित? सम्मान, सुख, विश्वास, न्याय। तो कोई असीमित चीज या कोई निरंतर चीज होगा, उसी को तो निरंतर चीज चाहिए। इससे क्या सिद्ध होता है? कोई निरंतर वस्तु होगी, उसी को तो निरंतर चीज की, जो जिससे बना है वही उसकी। तो निरंतर कोई वस्तु होगी, उसी को तो निरंतर वस्तु चाहिए, है ना? तो कोई निरंतर, हम कोई निरंतर एक वस्तु है जिसको हम जीवन नाम दे रहे हैं, वो निरंतर है। कैसे निरंतर है उसको और समझने का प्रयास करते। यहाँ तक समझ में आया ठीक से? यहाँ तक कोई डाउट हो तो और पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें और कुछ डाउट है और कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो दो मिनट सोच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा रहा? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्यों जितेंद्र भाई? सर, तो ये जो है ऐसा व्यवस्था कैसे लागू होगा सर? समझ अच्छा अच्छा चीज है ये, अच्छा है, लेकिन ये लागू कैसे होगा? लागू कैसे होगा? जैसे लोकतंत्र बना, लोकतंत्र कैसे लागू हो गया? कहीं से शुरुआत हुई ना भाई? पहले मानव जो है जंगल युग में था, फिर धातु युग आया, लौह युग आया, चक्का युग आया, राज युग आया, पूंजीवाद आया, अब लोकतंत्र आया। तो सब बदला है कि नहीं बदला? कैसे आएगा? आप समझेंगे, आप लोग सब ऐसे
तैयार होंगे तो लोगों को मानना पड़ेगा, दबाव बनेगा भाई एक। हाँ वही चीज़ तो, वही शिक्षा में कैसे, देखिए अभी दिल्ली सरकार में ये शिक्षा स्वीकार कर ली है, दिल्ली में हैप्पीनेस कैरिकुलम नाम के एक कोर्स चल रहा है, उसके माध्यम से अभी इसको कई देश विदेश के लोग भी चाह रहे हैं। यहाँ भी टीचर लोग कम से कम 2500 से टीचर लोग दो तीन दिन का या एक सप्ताह का कुछ परिचय हुआ है, एक साल का अध्ययन शिविर कम से कम 300 टीचर कर चुके। हाँ तो धीरे धीरे मन होगा ना, एक देखिए आज से 100 साल पहले या 150-200 साल पहले लोगों ने ये प्रयास किया कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंच जाएगी, तो उस समय जब कहते थे लोग हंसते थे, अब पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, हर गांव में स्कूल है, हर बच्चे को शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही। तो देखिए कहीं से शुरुआत होती है तो धीरे धीरे अगर वो सही हो तो लोगों तक पहुंचती, मल्टीप्लाई होता ही। मोदी जी भी चाह रहे हैं, मोदी जी के पास भी ये मैसेज है, हमारे आदरणीय सोम भैया जी आधा घंटा का समय मोदी मंगे थे, जब उनको सुने तो 1.5 घंटा तक सुनते रहे और कहे इसको गुजरात में भी लागू कर दे, तो धीरे धीरे होगा ना, वही आदमी आप लोग सब तैयार होंगे तब तो होगा। हाँ वो तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, वही है, अब आवश्यकता को आप समझ रहे हैं, आप जैसे समझदार लोग लगेंगे तब तो होगा ना, उसी के लिए तो ये कर रहे हैं भाई, और किसके लिए कर रहे, उसी के लिए तो सब चीज़ किया जा रहा है। एक मिनट, हाँ प्रश्न आपका सही है, अभी क्या है, एक मिनट इसी में क्या है, अभी क्या है, हमको सही की सूचना मिल रही है, इसको ज्ञान ना समझ ले, अभी क्या है, सूचना है, जानकारी मिल रही है। ज्ञान उसे कहते हैं जो आचरण में आ जाए, अभी सूचना मिली, ज्ञान नहीं हुआ है मुझको, वही तो आगे बताएंगे कैसे ज्ञान हो। हाँ सूचना मिलने से कई चीज़ों से हमको राहत मिल रही है, तो ज्ञान हो जाएगा तो कितना राहत, इसको सोचिए आप, तो उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम पहली कड़ी तो सूचना है ना, आदमी को सूचना मिलेगा तब तो उधर बढ़ेगा, सूचना ही नहीं मिलेगा तो ज्ञान की तरफ कहाँ से बढ़ जाएगा, तो पहले तो सूचना मिल रही है, धीरे से अध्ययन करेंगे और सोच विचार करेंगे धीरे से और आगे बढ़ेंगे, तो पहला कड़ी तो सूचना, ठीक ठीक है भैया। जैसे 4 बज चुकी है, उधर चाय का समय हो चुका है, तो चाय पी के आते हैं फिर आगे करते हैं, ठीक है ठीक। तो बिना भूखे रहेंगे तो समाज के लिए काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो भोजन भी जरूरी है, उसके लिए कर ही रहे हैं, उसके लिए समय दे ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी समय दे रहे हैं क्या, इसके लिए समय दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो हमको तय करना पड़ेगा, अगर ये चाहिए निरंतर सुख तो इसमें समय देना पड़ेगा। एक निश्चित हमारे कार्यक्रम, हमारे जीव दिनचर्या को निश्चित डिजाइन करना पड़ेगा इनके अनुसार, कि कितना समय हम उसके लिए दें, कितना समय इनके लिए दें, तो जैसे जितना हमको आवश्यक लगेगा वैसे हम उस दिनचर्या को वैसा तय करेंगे, तो यहाँ कोई आपको नियंत्रित करने वाला नहीं, आप खुद इसी से नियंत्रित होते। अभी हमको
दूसरे अभी दूसरे चीज़ों से नियंत्रित हो रहे हैं, है ना। समाज में जैसी मान्यताएं हैं उनसे नियंत्रित हो रहे हैं ज़्यादातर, उनके भय या उनके प्रलोभन से डर के सारे कार्य प्रलोभनवश या भयवश सारे काम कर रहे हैं। सही समझ में आता है तो समझ से हम सारे का कार्य व्यवहार करेंगे। तो वेदु भैया, तो सुखी हो के करना है कि करके सुखी होना है? सुखी हो के कुछ भी काम करना है कि करके सुखी होना है? हाँ, तो कोई भी काम हम कर रहे हैं जिसको, जैसे कि पढ़ाई भी करें तो सुखी हो के करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे? नहीं भी, मैं तो 80% पाऊंगा तब सुखी होऊंगा, तो उतने दिन तक दुखी रहना हमारा तय है, उतने दिन तक दुखी रहना हमारा तय है, मजबूरी। तो हम सुखी होकर के कोई भी काम करेंगे तो और सब चीज़ में सफलता मिलेगी, हर चीज़ में आज जितनी सफलता मिली है उससे कई गुना ज़्यादा सफलता मिले, हर क्षेत्र में अगर समझ है तो। कोई विकास इसमें रुकने वाला नहीं, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, धार्मिक विकास, कोई चीज़ रुकने वाला नहीं अगर समझ से करते हैं, सब विकास होगा, चौमुखी विकास होगा कि नहीं होगा? तो बेटा जी का क्या प्रश्न था कल? मानना नहीं है जानना और जांचना, मानना नहीं है जानना और जांचना है, तो जांचने के लिए स्वपरीक्षण करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है और सर्वेक्षण करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ हमको पसंद है तो सबको पसंद होना ज़रूरी है, तभी वो सही है। तो जैसे कि मुझे पढ़ना पसंद है तो, और बहुत सारे लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, तो क्या वो गलत है क्योंकि सबको पढ़ना पसंद नहीं है? बताइए इनका उत्तर कौन देंगे? ये कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है। हाँ, उनका कहने का मतलब सार्वभौमिक नहीं हो रहा है, तो पढ़ना गलत है क्या कि सही है, वो पूछ रहे। पढ़ना सही है कि गलत? अब इतने समझे तो बताइए उत्तर आप लोग। सही है। पढ़ना सही है, पढ़ेंगे तभी तो जिज्ञासा शांत होगी, या तो कोई बताने वाला हो। ठीक बोल रहे हैं, है ना। उनका प्रश्न ये है कि अभी जो पढ़ रहे हैं उससे तो जिज्ञासाएं शांत नहीं हो रही है, सही की शिक्षा नहीं मिल रही है ना। अभी जो प्रचलित शिक्षा है उससे क्या है, हमारे समझ में कोई वृद्धि हुआ नहीं, और उससे ना ही हमारे कार्य में कोई वृद्धि, थोड़ा बहुत स्किल वाली शिक्षा कुछ ठीक है, पूर्णता गलत नहीं कह रहे, अधूरा है, पूरा नहीं है। अगर पूरा होगा वो शिक्षा, अगर पूरा होगा पढ़ने से हम पूरा होंगे, हम समझदार भी बनेंगे, सुखी भी होंगे और हमको सुविधा भी मिलेगा। तो वैसे पढ़ना आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, और सब चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो सही पढ़ाई सबके लिए आवश्यक है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उनका पर्पस पता नहीं है, इसको पढ़ के क्या मिलेगा, पढ़ के तो कोई सुखी नहीं हुए, उनका वो लक्ष्य पता नहीं है, उद्देश्य पता नहीं है, पढ़ने से क्या होता है, और अभी पढ़ाई बोरियत होती है। जो भी एक आप बताइए, जितना पढ़े, जैसे मैं भी पढ़ा एम ए इकोनॉमिक्स में किया, जो पढ़ा मेरे ज़िंदगी में क्या लागू हो रहा है? अभी इतना मैं पढ़ाई किया, एक भी चीज़ तो मेरे जीवन ज़िंदगी में उन काम ही नहीं आ रहा।
तो ऐसी शिक्षा दिया जा रहा है जो हमारे काम की ही नहीं, इसलिए किसी को पढ़ना पसंद नहीं है। यहाँ के बच्चों को देखिए, इन यहाँ के बच्चों को पूछा जाता है कि आप स्कूल में ज़्यादा सुखी रहते हैं कि घर में, तो ज़्यादातर बच्चे जो अभी नए आए हैं या 100% बच्चे कहते हैं कि हमको स्कूल में अच्छा है, स्कूल आना अच्छा लगता है, क्योंकि उसी तरीके से यहाँ पूरा माँ की तरह सभी यानी अध्यापक लोग, अध्यापिका लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं उस तरीके से। तो हमारा क्या है, स्कूल जो है घर बन जाए और दूसरी तरफ घर स्कूल बन जाए, वहाँ भी प्रेम से सम्मान से बच्चों को ट्रीट किया जाए, पढ़ाया जाए, तो नहीं पढ़ना चाहेंगे। अभी डांट की अभी क्या है, टीचर जो है क्या बना रहता है, हिटलर बना रहता है। मैं बता रहा हूँ, तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फेल कर दूंगा। डरा रहे हैं ना, तो डरने कौन जाएगा। इसीलिए आज शिक्षकों का सम्मान घट रहा। इसीलिए उस दिन आया था ना प्रश्न कि ये प्राथमिक टीचर का हम ज़्यादा सम्मान कर पाते हैं, कॉलेज के कम कर पाते हैं, कारण क्या है। यही है कि बचपन में हम विश्वास से चलते हैं, तो टीचर माँ पर विश्वास करते हैं, टीचर पर विश्वास करते हैं कि ये हमको अच्छा बताएगा, हमको अच्छा समझाएगा, हमारे लिए अच्छा है। कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे काम का नहीं है और ये तो पैसे के लिए हमको पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं मिले तो कोई पढ़ाएंगे क्या। ये बात उनके घर कर जा हमारे घर कर जाती, इसलिए बड़े होने पर ये यानि एक कहना चाहिए पहचान हो जाती। इसीलिए टीचरों जो कॉलेज के टीचरों से सम्मान हमारा घट जाता है। वहाँ पे हम एक विश्वास से चले थे तो तब बना रहता है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि उस समय हमको गलती देखने की भी समझ नहीं होती ना। जैसे बड़े होते हैं तो गलती देखने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती जाती, क्योंकि शिक्षा में सही देखने की कोई कार्यक्रम ही नहीं है, ऐसी शिक्षा ही नहीं दिया जा रहा है कि दूसरे की सच्चाई को देख सके। अभी ऐसी शिक्षा मिल रही है जिससे दूसरे की गलती को देखे, इसलिए पढ़ा लिखा जा आदमी ज़्यादा गलती करता है, ज़्यादा गलती देखता है। आज भाई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ कर रहा। पढ़े लिखे लोग कौन है, IAS अफसर कौन है, नेता कौन है, कर्मचारी पढ़े लिखे लोग हैं ना। प्रदूषण पढ़े लिखे ज़्यादा फैला रहे हैं कि गैर पढ़े लिखे, पढ़े लिखे ज़्यादा फैला रहे हैं। अभी प्लास्टिक का बोतल ये किसान आदमी ज़्यादा यूज करता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा यूज करता है, ज़्यादा संसाधनों का उपभोग पढ़ा लिखे आदमी कर रहा है कि कम पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, तो कौन प्रदूषण फैला रहा। अभी परिवारों में टूटन जो ज़्यादा, परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तलाक वृत्ति पढ़े लिखों में ज़्यादा हो रही है कि अनपढ़ लोगों में ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब नहीं पढ़े। ये सब समझ में आ रहा है कि बस इतनी सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ाई हमारी यानी शिक्षा की वस्तु सही हो जाए, शिक्षा गलत नहीं। स्वार्थ की पढ़ाई चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल सही बात, उसी में दिखाया ना अर्थशास्त्र, लाभोन्माद अर्थशास्त्र। इसीलिए लाभ हम कैसे कम से कम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जाए। MBA की शिक्षा क्या है, क्या है ना, गंजे को कैसे कंघी बेचा जाए,
ऐसे कैसे उनको तो चालाक बना रहे हैं, चतुर धोखा देने वाले बना रहे, झूठ बोलने वाले बना रहे हैं। मनोविज्ञान कैसा है? कामोन्माद। अभी जो फ्रायड का मनोविज्ञान पढ़ाते हैं वो मनोविज्ञान कैसा है? कामोन्माद, कि आदमी सब चीज़ किसके लिए कर रहा है? सेक्स के लिए कर रहा है, सेक्स से प्रेरित होकर के कर रहा है। ये मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आपको पता चले। वैसे ही समाजशास्त्र में भोगोन्माद समाजशास्त्र, कि समाज में उस समाज को अच्छा माना जाता है जहाँ आप ज़्यादा भोगते हैं, भोगने की वस्तु जहाँ ज़्यादा है उस समाज को श्रेष्ठ समाज, तो उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वही पढ़ रहे हैं तो वही तो आगे बढ़ेंगे, वही हमारी मान्यता बन रही है। तो शिक्षा गलत नहीं है, शिक्षा की विषय वस्तु गलत है, कंटेंट गलत। सही शिक्षा हो तो शिक्षा तो आवश्यक, क्योंकि मानव संस्कारानुसंगी, वो देखता समझता है और वैसे हो जाता है। छत्तीसगढ़ में रहता है तो छत्तीसगढ़ ही उनको सीखना पड़ता है कि नहीं सीखना पड़ता है? अगर सही की पूरा वातावरण रहेगा, हर कोई सही का व्यवहार, सही का कार्य, सही की बातचीत, सही की शिक्षा, तो एक बच्चा आसानी से सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक सीखेगा, बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, उसके लिए लगे हैं सब हमारे भैया लोग, हमारे बाबा जी, है ना, पूरा इसके लिए तन मन धन से सभी लोग लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, और एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि यानी शरीर में क्या क्रिया हो रही है। और जीवन में क्या क्रिया हो रही है, और दोनों के सम्मिलित रूप में क्या क्रिया हो रही है, और अच्छे से, क्योंकि एक एक का तार तार करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा। तो शरीर में क्या क्रिया हो रही है, बताइए जितेन भाई, क्या क्रिया हो रही है? वो तो जीवन देखता है, शरीर बस में, अकेले शरीर में क्या क्रिया हो रही है? बहुत बढ़िया, शरीर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रही नहीं, तो इसमें यानी कि विरचना की क्रिया हो रही है। हाँ, विघटन कह सकते हैं, विरचना भी कहते हैं। अब धीरे धीरे जो रचना बनी है, ये शरीर रूपी रचना बनी है, अब एक समय के बाद विरचना की ओर जाता है ना, तो विरचना क्रिया कह सकते हैं। विरचना और क्या हो रहा है? ये जीवन कराता है क्या विरचना? शरीर में ऑटोमेटिक हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, है ना, खून का दौड़ना, श्वास का लेना, है ना, पाचन का होना। खाना खाते हैं तो हम पचाते हैं क्या? कि ऑटोमेटिक पचता है? कैसे डाली दीदी? खाना खाते हैं तो पचाना पड़ता है कि पच जाता है? पचाना पड़ता है।
क्या करते हैं पहुँचाने के लिए? शरीर, अगर शरीर व्यवस्था ठीक है तो ऑटोमेटिक पचने का कार्यक्रम ऑटोमेटिक हो रहा है। उसके लिए जीवन को कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना? कुछ शरीर में ये क्रिया हो रही, सांस का लेना है ना, हृदय का धड़कना, खून का बनना है ना, पाचन रेचन श्वसन ये सब लिख सकते हैं, बालों का बढ़ना, ये शरीर की क्रिया, ये है कि नहीं? ये शरीर में हो रहा, ये शरीर में हो रहा, खून बन रहा है, हड्डी बढ़ने का जैसे विरचने का भी होता है, तो पुष्ट होने का भी काम शरीर में ही होता है। से घाव हो जाता है, कहीं भी ठोकर लग जाती है तो ऑटोमेटिक ठीक होता है नहीं? ऑटोमेटिक कुछ भी दवाई ना करें तो भी इससे ठीक हो जाता है, ज़्यादा गंभीर ना हो, ज़्यादा इन्फेक्शन अगर नहीं, ज़्यादा अगर बलवान होता है तो ज़्यादा क्या है, कीटाणु उसमें आ करके उसको ज़्यादा शरीर की शक्ति से ज़्यादा उनकी शक्ति हो जाती है तो फिर वो फैल जाता है। लेकिन शरीर की शक्ति रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं ना, अगर वो शक्ति अगर हो तो ऑटो, अगर हमारा स्ट्रांग हो तो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा घाव भी ठीक हो जाएगा। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है। ऐसे भी हम दवाई देते हैं तो दवाई ठीक करता है कि शरीर ठीक करता है? दवाई में वो कंटेंट होता है, उनके माध्यम से वो पोषण मिलके उनको ठीक करने का काम शरीर ही करता है। कुछ चीज़ की कमी है शरीर में, उसके वजह से ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ चीज़ उसमें डालें जो आवश्यक हो तो ठीक होने लग जाता है। तो ये सब किसमें? शरीर की क्रिया, ये सब शरीर की क्रिया है। जीवन की क्रिया क्या है? जीवन में क्या क्रिया हो रही? विचार की क्रिया हो रही है, बहुत बड़ी। और कल्पना कर नहीं सकता, बहुत बढ़िया। भावना, हाँ भावना भी कह सकते हैं, भाव। और क्या? तो ये क्रिया जीवन की क्रिया है। तो शरीर में अलग क्रिया है, जीवन में अलग क्रिया है, तो दोनों को ठीक ठीक अलग करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये दोनों को एक ही माने हुए हैं ना, इसलिए ठीक ठीक आवश्यकता को देखें तो दो प्रकार की आवश्यकता हैं, है ना? एक सीमित आवश्यकता है, एक असीमित आवश्यकता, एक क्षणिक है, एक निरंतर, एक को मापा जा सकता है, एक को। मतलब कोई दो वस्तु है ना, तभी तो दो तरीके की आवश्यकता। और उसको अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर में अलग क्रिया चल रही और जीवन में अलग क्रिया चल रही, और दोनों के सम्मिलित रूप में सारा देखना सुनना बोलना। ये सारी क्रिया चल रही, ठीक है कि नहीं? ठीक ठीक अंतर कर पा रहे हैं शरीर की क्रिया को,
है ना, विरचना, पाचन, पाचन, रेचन और नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, खून का बनना, खून का दौड़ना, सब जगह जाना, ये कोई जीवन नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक हो रहा है शरीर में। और बहुत सारे चीज, रेचन मतलब है जैसे मल का त्याग करते हैं ना, इसको रेचन कह रहे हैं। पांच हाँ, उत्सर्जन, उसी को रेचन भी कहते हैं, ये आयुर्वेद की भाषा है। तो तीनों अलग अलग, यानी दोनों अलग अलग इकाई है, दोनों अलग अलग वास्तविकता है, इसको हम ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्रियाओं के माध्यम से भी हम उनको अलग अलग देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं, ये समझ में आया ना? और है चित्रण, चित्र बनाते हैं नहीं, से आम बोले तो आम दिखाई पड़ गए नहीं, है ना, उसी को कल्पना शक्ति भी कह रहे हैं, कल्पना भी लिखे ना, कल्पना में सारे चीज आ गए। आगे उनको और विस्तार से, और विस्तार से समझ, विचार क्या चीज़ है, कहाँ पे होता है, और अच्छे से ये करेंगे। इतना क्लियर है, शरीर की क्रिया अलग है, जीवन की क्रिया अलग है, दोनों की सम्मिलित क्रिया अलग है, ये समझ गए ना फर्क। अब और थोड़ा से और देखने का प्रयास करते हैं। और समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे से इसको समझिए ना। जब जाग रहे हैं, जब जाग रहे हैं तो शरीर में क्रिया हो रही है, हो रही है ना, जीवन में हो रही, और दोनों मिलके भी हमारी क्रिया करते ही हैं, करते ही है ना। अब है जैसे सो रहे हैं, सो रहे हैं तो शरीर में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? शरीर में तो हो रही है, शरीर से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई जो बोलना, बोलना, सुनना, देखना, ये नहीं कर रहे हैं, ये दोनों का सम्मिलित क्रिया था ना। तो सोते हैं तो देखने का काम, बोलने का काम, सुनने का काम ये नहीं करते, खाने का काम, हाँ कल्पना में भले खाते हैं, वो विचारों में हो रहा था, यानी कि ये क्रिया जीवन में क्रिया हो रही, ये दोनों के सम्मिलित क्रिया नहीं हो रही जब सो रहे हैं। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको? आप जैसे कोई पागल हो गया तो क्या हो जाता है, किसके गड़बड़ होने से पागल हो जाते हैं? तो जीवन के गड़बड़ होने से, है ना, जीवन में यानी उनके विचारों में गड़बड़ होने से, विचार में कोई समाधान नहीं होने से,
वो शरीर में असंतुलन आ जाता है, शरीर की क्रिया बिगड़ जाती है। जो हम खाते हैं वो खाते हैं वो रस में कन्वर्ट होता है, दो प्रकार के रस में, एक मीठा और एक कड़वा, दो प्रकार के रस बनता है ना। वो रस अगर हमारी सोच विचार बैलेंस्ड नहीं है, बीमारी कैसे होती है उसको मैं बता रहा हूँ। हमारे जीवन में संतुलन नहीं है, भ्रम है, चिंता है, आवेश है, तो उससे जो भी खाते हैं तो शरीर पर ये इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो रस सही बनने चाहिए वो रस ठीक से नहीं बन पाते, रस गड़बड़ाता है, तो रस से ही रक्त बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त खराब होता है, वही रस से मांस बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस में फिर बीमारी आती है, वो धीरे धीरे बीमारी जो है मांस में पहुंच जाता है, फिर वही मांस से मज्जा, मेद, हड्डी, ये सब धीरे धीरे उसी से बनता है जो खाते हैं, तो वो सारे चीज़ में गड़बड़ होते जाते हैं। तो अभी सारे बीमारी जो असाध्य बीमारी जिसे कह रहे हैं ना, वो किनके असंतुलन से हो रहा है, जीवन में असंतुलन से। जीवन में असंतुलन होने से शरीर के गलत, जैसे जीवन में समझ नहीं है तो क्या खाना है भी ठीक से पता नहीं है, वो भी हमारे बीमारी के कारण है। जैसे कोमा में चले गए, कई लोग कोमा में चले जाते हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है, कोमा में चले जाते हैं तो शरीर में क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया हो रही है, जीवन की क्रिया हो रही है, दोनों की सम्मिलित क्रिया नहीं हो पाती। बैठिए बैठिए, स्वागत। ये समझ में आ रहा है, शरीर में जो भी सांस लेने की क्रिया तो हो रही ना, कोमा में रहते हैं तो सांस तो लेते ही हैं, उसमें क्या हो गया, ब्रेन खराब हो गया। वेदो भैया, कोमा में हो गया तो मतलब क्या है, ब्रेन खराब हो गया, क्योंकि जीवन ब्रेन के माध्यम से सारे क्रियाकलाप करते हैं। जीवन जो है ब्रेन के माध्यम से सारे क्रियाकलाप करते हैं। ब्रेन खराब हो गया है इसलिए ब्रेन जब तक ठीक नहीं होगा, ब्रेन पर कोई धक्का पहुंचा है, कोई जैसे कोई एक्सीडेंट हो गए तो ब्रेन खराब हो गया, और ब्रेन खराब हो, जैसे कि एक उदाहरण ले लें कि जैसे टीबी और सीडी लगाते हैं ना, तो सीडी सही हो और टीबी सही हो तो इसमें चित्र आएंगे, है ना, चित्र आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। लेकिन अगर टीबी खराब हो तो चित्र आएंगे क्या? उसी प्रकार से सीडी खराब होंगे तो चित्र आएंगे क्या? तो दोनों का ठीक होना आवश्यक। तो कोमा में क्या है, जीवन तो उछल रही है, ब्रेन, शरीर का ब्रेन खराब हुआ है, ब्रेन की व्यवस्था बिगड़ी है, तो हम ये शरीर और जीवन को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों की क्रियाओं अलग अलग है उसको देखने का प्रयास कर, समझने का प्रयास कर, उसी को और अच्छे तरीके से एक बार और समझते हैं।
कैसे ब्रेन काम करता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ब्रेन कैसे काम करता है और जीवन ब्रेन के माध्यम से कैसे क्रियाकलाप करते है ना, उसको समझने का प्रयास करते। तो ये ब्रेन है समझ लो, और ये शरीर है, इसे भी बना लेते हैं। और जीवन इसमें कनेक्ट है, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको जीवन अभी समझने के लिए इसको जीवन मान लेते हैं, और इसको मस्तिष्क, और ये शरीर। तो जैसे यहाँ पे मच्छर काटा है ना, तो हमारे शरीर के अंदर में ज्ञानवाही और क्रियावाही तंत्र है, उनके माध्यम से ये ब्रेन तक जाता है, ब्रेन तक सूचना जाती है ना। उस ब्रेन में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड में तरंग पैदा होता है, उस तरंग को जीवन पहचानता है, जीवन पहचानता है, और उनकी जैसी मान्यता होती है, जीवन की जैसी मान्यता हो। अगर वो जैन संत हो, तो वो मच्छर को कैसे करेगा, भगा देगा, अहिंसा परमो धर्म, ये मानते हैं ना। अब वो जीवन जो है, उस जीवन को दूसरे रख लेते हैं, है ना, कोई भी चीज़ रख लेते हैं। जैसे अब पंजाबी, देखिए किसी का खिल्ली उड़ाने के लिए बात नहीं बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कर। पंजाबी को जैसे ही काटा, ब्रेन तक सूचना गई, तो वो क्या करेंगे, सत श्री अकाल वाहे गुरु, जैसी मान्यता है, देखिए जैसी मान्यता है जीवन में, उनके अनुसार से उनकी क्रिया हो रही है। तो मस्तिष्क के माध्यम से देखिए जी, आप क्या, एक तो इधर से जा रहा है, उधर से क्या करता है, जीवन यहाँ पे उसी जो केमिकल है उसमें तरंग पैदा करता है, और उस तरंग के माध्यम से, हाँ ये बोलिए, देखिए अभी मैं क्या, बोलने का वो जीवन निर्देश दे रहा है, और वो काम इतना तेज़ी से हो रहा है, इतना तेज़ी से हो रहा है, मनोगति कहते हैं। एक मिनट में हम कहाँ अपने घर पहुँच गए, एक मिनट क्या, कुछ भी मिनट नहीं लगा, मनोगति कहते हैं। इसीलिए विज्ञान जो है यंत्रों से किसी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, तो यंत्र की गति बहुत कम है जीवन की गति से, जीवन की इतनी तीव्र गति है, मनोगति कहते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो जैसे कि एक आदमी बहुत तेज दौड़ता है, उसको पकड़ना है तो उतने ही तेज दौड़ने, उससे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला आदमी चाहिए तब उनको पकड़ पाएगा। तो यंत्र अब उतने क्रियाशील नहीं है, उतने उनकी गति तेज नहीं है, तो जीवन को कैसे पकड़ पाएगा, यंत्र से कैसे जीवन को जान पाएंगे। तो जीवन को जानने का प्रयास वैज्ञानिक लोग यंत्र द्वारा कर रहे हैं, वो जान नहीं पाए। तो एक मैं अगर दो किसी को पकड़ने जाऊंगा, तो मेरे से ज़्यादा जो दौड़ता है उसको मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं पकड़ पाऊंगा। एक सीधा सा मामला है कि नहीं। इस कारण अभी विज्ञान इसको नहीं कर पल पाया, क्योंकि वो यंत्र को प्रमाण मानता है, यंत्र के द्वारा सिद्ध होता है तो सही है, और यंत्र के द्वारा सिद्ध नहीं होता है तो सही नहीं, गलत है, ऐसा मान के वो बैठे हैं। इसलिए वो जीवन को नहीं पकड़ पाए, उस इसके प्रभाव को पकड़ पाए हैं। वो भैया बता रहे थे ना संकेत, इसमें असंतुलन होने से शरीर में असंतुलन होता है,
उसको पकड़ पाया है विज्ञान। जैसे अच्छा आदमी जो ज़्यादा यानी अभी उनकी मान्यताएँ बहुत गलत, उनमें अलग केमिकल रासायनिक क्रिया होती है, उनको विज्ञान पकड़ पाया है, उनको विज्ञान पकड़ पाए। बेटा यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे बेटू, यहाँ ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, अभी बात बात कर रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीका से जीवन ब्रेन के माध्यम से अपने शरीर को चलाता है। तो ऐसी गति हो रही है, उसी को और अब अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक सबको को क्लियर है? डॉली दीदी, भूमिका बहन जी, चांदनी दीदी, समझ में आ रहा है कैसे हम ये जीवन, मतलब मैं ही, मैं कैसे काम करता हूँ हर एक चीज़, एक एक चीज़, जैसे पैर उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जीवन ही निर्देश दे रहा है और इतनी स्पीड से दे रहा है, उसको अभी हमारा उस तरफ अभी ध्यान नहीं, क्योंकि हम जिसको ध्यान देते हैं वो समझ में आता है ना। जैसे यहीं पे मैं बहुत सारी क्रिया करूँ, आपका ध्यान कोई अपने घर तरफ बन गया, तो यहीं पे बोलते हुए सुन पाते हैं क्या? नहीं सुन पाते हैं, ना देख भी नहीं पाते, जबकि आँख देख रही होती है फिर भी नहीं देख पाते, ऐसा होता है कि नहीं होता? कई दफ़े हम सोच विचार में ऐसे लगे हैं, ऐसे बैठे हैं, सामने से कोई आदमी जाता है उसको देख पाते हैं क्या? बता पाते हैं कि कौन है, इधर गया क्या भाई? हम नहीं मालूम भैया, कोई गया तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं दूसरे। तो जीवन के क्रियाओं को भी ध्यान देने से पता चलता है, उसके लिए अच्छा ध्यान चाहिए। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। अभी तक ध्यान करना है, ध्यान करने से कोई चीज़ समझ में नहीं आता, ध्यान देने से समझ में आता है। हम जैसे जैसे ध्यान दे रहे हैं, भाई कोई ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो ज़्यादा समझ रहा है, कोई कम ध्यान दे रहा है तो कम समझ रहा है। हाँ, ध्यान नहीं जा रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पूरा मामला क्या है? ध्यान का। तो एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ, जीवन में हर चीज़ संभव है अगर हम ध्यान दें और अभ्यास करें। दो ही चीज़ है सफलता की, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं अगर उसमें ठीक से ध्यान दें और उसका ठीक से अभ्यास करें, तो कोई भी चीज़ अनपॉसिबल नहीं है। हम भी पूर्ण सुखी हो सकते हैं, निरंतर सुखी हो सकते हैं। और जो भी यानी एक मानो जो भी कर पाया है उसको हम भी कर सकते हैं। तो इसी को कह रहा है मानव जाति एक, मानव जाति एक, मानव जाति एक किसे कह रहे हैं अभी तक? कि एक आदमी जो करता है उसको दूसरा नहीं कर सकता है। सुनार का काम को सुनार ही करेगा, लुहार का काम लुहार करेगा, तो लुहार एक जाति होगी, सुनार एक जाति होगी, तेली एक जाति हो गई, ऐसे जातियों में काम के आधार पर बांट दिए। जबकि हर मानव हर काम कर सकता है ध्यान और अभ्यास दे तो। तो काम के आधार पर जात बांट दिए, जबकि एक मानव हर काम कर सकता है, तो मानव मात्र की एक जाति। इसीलिए समझ में आ रहा है। आप जीवन जीवन बहुत देर से बोल रहे हैं, है ना? आप जीवन को जानने का प्रयास करते। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई और कुछ है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें, आगे सर, बढ़ें ना सर, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा मिस हो गया था। क्या चीज? मस्तिष्क और जीवन को। मस्तिष्क और इसमें क्या है? जीवन की अपनी मान्यता है, इतने सारे यात्रा करके आए हैं,
तो जो मान लिया है, जो माना है, उनके अनुसार से वो काम करता है। से कि मैंने एक उदाहरण दिया कि मच्छर काटता है, तो अगर वो कोई जैनी संत हो तो उनके क्रियाकलाप क्या होंगे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो इसीलिए हिंसा ना हो करके उन लोग दातुन भी नहीं करते, हिंसा ना हो करके उनके बहुत सारे चीज़, मैं बताना नहीं चाहूँगा, है ना, बहुत सारे चीज़ ऐसी मान्यता है उनके उनके लिए, उनके कारण से वो क्रियाकलाप। तो हम किसी भी आदमी को जानने के लिए उनकी मान्य उनके क्रियाकलाप के माध्यम से उनकी मान्यताओं को, उनकी समझ को जान सकते। तो क्या होता है कि मच्छर काटने से ज्ञानवाही और क्रियावाही जो तंत्र है उनके माध्यम से ब्रेन में उसकी सूचना जाती है, यहाँ पे तरंग पैदा होता है, एक लिक्विड है ब्रेन के अंतर्गत, तो उसमें तरंग पैदा होता है, उसको जीवन पड़ता है, और जीवन जिस मान्यता का होता है उस अनुसार उनका रिएक्शन होता है ना। और जीवन को कुछ काम कराना होता है तो ब्रेन में तरंग पैदा करता है, उस तरंग के माध्यम से सारी एक्टिविटी हो रही है। यस सर, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं उसको शायद। हाँ, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं उसको। हाँ, अब उसको जो भी नाम दे दें, यहाँ ज्ञानवाही और क्रियावाही तंत्र यहाँ की भाषा में, अब उसको कोई दूसरा भाषा दे ही सकते हैं। हाँ, विज्ञान में तो भाई और अंग्रेजी में अलग अलग उनके नाम होंगे, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। मन नहीं बंद हो रहा है, मन मतलब जीवन कह रहे हैं ना, क्या है, मस्तिष्क में जो वही जो लिक्विड है मस्तिष्क, ये मस्तिष्क भी एक क्या है, मशीन है ना, एक तरीके का मशीन है, वो इस मशीन में गड़बड़ी आ जाती, और मशीन में गड़बड़ी आ जाएगी तो इसमें सूचना लेने देने का काम नहीं हो पाएगा, तो कैसे काम करे। तो इसीलिए कोमा में वो पड़े रहते हैं, कुछ बोलना चलना फिरना जो कर पाते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि मस्तिष्क खराब है, मस्तिष्क ठीक हो जाएगा तो पुनः वो कोमा से बाहर आके सारे क्रियाकलाप करने लगेंगे। शरीरगत है ना, वही मस्तिष्क खराब हुआ तो मस्तिष्क किसका पार्ट, शरीर का पार्ट जी। भाई कोमा कैसे आया कि जैसे पागल होना होता है, एक पागल क्रिया, पागल की क्रिया में क्या होता है कि जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, उसके विचारों में असंतुलन आ जाता है, उनके कारण से मस्तिष्क में भी प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क में भी उनका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कुछ दवाई देते हैं और उनके साथ प्रेम का व्यवहार करने के लिए बोलते हैं पागल आदमी से, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, प्यार से बोलो, तो जितना प्यार मिलेगा उतने जल्दी ये ठीक होंगे। तो जीवन के कारण से ब्रेन खराब हो गया होता है, उसके लिए दवाई देते हैं, और जीवन ठीक हो जाए उसके लिए प्यार देते हैं, ऐसे ठीक होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये जीवन है क्या चीज़, इसमें और क्या क्या क्रिया हो रही है, उसके बारे में आगे जानने का प्रयास करते हैं। आस्वादन, मैं हर समय, मैं मतलब जीवन में हर समय स्वाद लेने का काम चल रहा है,
क्या काम हो रहा है? स्वाद लेने का, आस्वादन करने का काम हो रहा है, यानी सुख का आस्वादन है ना, वो भी सुख कई प्रकार के। तो ये आस्वादन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक है रुचि मूलक, एक को कह रहे हैं मूल्य मूलक। और एक है लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक जो हमारे पांच ज्ञानेंद्रिय, वेदु भैया आप बोल रहे थे ना, कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय? त्वचा, त्वचा कैठो का भुला गए मैं का यार, और दिमाग मरी बोल प्रॉब्लम से। जीभ, जीभ बहुत बड़े। क्या है बेटा जी? तो अच्छा, आँख के माध्यम से हम अच्छे रूप का स्वाद लेते हैं, है ना? अच्छा चीज दिखाई देता है तो उनका आस्वादन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कान के माध्यम से कोई अच्छे चीज़ों को सुनते तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो सुख का स्वाद लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं ना। वैसे ही स्पर्श से, कोमल स्पर्श हो, है ना, तो उसका भी स्वाद कि भाई कोमल स्पर्श हो तो अच्छा लगता है, इसका भी स्वाद ले रहे हैं। वैसे ही रस सबसे ज़्यादा तो जीभ का है ना, रसगुल्ले का स्वाद और जलेबी का स्वाद, अलग अलग चीज़ का स्वाद पता है कि नहीं पता? पता है ना। तो ये आस्वादन क्रिया, ये सुख आस्वादन का काम करते हैं कि नहीं करते? कर रहे हैं ना, हर समय हम कर रहे हैं। तो यहीं पे है कान, आँख, नाक, सुगंध, सही चीज सूंघने का आस्वादन हम करते हैं ना, उसी को रुचि मूलक कहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अच्छे शब्द हो, अच्छे रस हो, इस चीज का भी हम निरंतर स्वाद ले रहे हैं। जैसे कि देखने का काम हमेशा निरंतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब तक स्वाद मिलता है तब तक उसको, यानी जब तक हमको अच्छा लगता है तब तक उसको देखते हैं। और जैसे वो अच्छा नहीं लगता तो दूसरे चीज को देखने लग जाते हैं। वो इतना स्पीड से है, ये काम हम निरंतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हो रहा है कि नहीं? बढ़िया, अपने अंदर देखिए एकदम ध्यान पूर्वक, आराम से उसको समझने का प्रयास करिए। आप इसी क्षण जब तक आपको अच्छी बात लगती रहती मेरे लायक बात, तब तक आप बहुत ध्यान से सुनते हैं कि नहीं सुनते? यानी उसमें रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है, सुख आ रहा है, तब तक के हम उसमें लगते हैं। अब उसमें सुख नहीं आ रहा है तो दूसरे चीज में लग जाते हैं, लेकिन लगे हैं ही, निरंतर लगे। जैसे कि आप बैठे हो, आप बैठे हो तो जब तक बैठने में, जैसे एक एक
कहना चाहिए ये एक मुद्रा में आप बैठे है ना, तो जब तक इसमें कोई दर्द ना आ जाए, आपको अच्छा महसूस होते रहता है, तब तक इस एक मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो ये कौन सा सुख है? स्पर्श का सुख। जैसे उसमें दर्द करता है तुरंत पलटते हैं, दूसरे मुद्रा में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? तो ये इस स्पर्श का स्वाद कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? जीवन ले रहा है। जीवन में आस्वादन क्रिया हो रही है, जीवन क्रिया की हम बात कर रहे हैं। रुचि वाला खत्म हो जाता है, लेकिन मान्यताओं में हम कल्प सपना में देख के लेते हैं कि नहीं लेते? अच्छे खा रहे होते हैं पीछे, हाँ मैं वो स्वर्ग में चला गया था, जैसी मान्यता होती है उनके अनुसार लेते रहते हैं। भाई जो भी कर रहे हैं, मैं पहले ही बताया ना कि मनुष्य का सारा क्रियाकलाप केवल और केवल सुख के लिए, तो सुखी होने के लिए वो विचार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हर समय वो स्वाद ले ही रहा है, लेने का प्रयास कर रहा है। मिलता भले नहीं है, लेकिन लेने का प्रयास कर रहा है। इसको रुचिमूलक समझ में आया ना? जो भी हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं उसको रुचिमूलक कह रहे हैं। मूल्यमूलक किसे कह रहे हैं? तो जैसे माँ एक अपने बच्चों का ममता मूल्य के साथ भोजन कराती है नहीं, उनके साथ जो बातचीत करते हैं, तो उसमें जो स्वाद आता है वो कौन सा स्वाद है? मूल्यों का, प्रेम का है ना, ममता का, स्नेह का, ये स्वाद हमको मिलता है कि नहीं मिलता है? और लेते हैं नहीं, भाई भाई के साथ या मित्र मित्र के साथ, जहाँ हमको अच्छा लगता है, अभी हम जहाँ माने हुए हैं, तो वो जो स्वाद लेते हैं उसको क्या कह रहे हैं? मूल्यमूलक कह रहे हैं। ठीक है डॉली दीदी, ऐसा करते हैं और निरंतर कर रहे हैं, एक भी क्षण के लिए रुका नहीं, लेने का प्रयास कर रहे हैं। मिल नहीं रहा है वो बात अलग, कहीं मिल रहा है वहां लगे। और तीसरा है लक्ष्य मूलक। तो कोई लक्ष्य बनाए होते हैं, तो उस लक्ष्य में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे हमें सुख की प्राप्ति होती ही नहीं होता है ना? जैसे कि अब समझ आपका लक्ष्य बन गया, अब जैसे जैसे समझ की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुखी होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहा? होते जा रहे हैं ना? तो इसको कह रहे हैं लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो तीन प्रकार के आस्वादन हम निरंतर ले रहे हैं, हर क्षण हर पल इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? आस्वादन के लिए क्या कर रहे हैं? चयन कर रहे हैं। चयन मतलब चुन रहे हैं। जैसे कि मैं कहा ना, एक मुद्रा में बैठे हैं, तो इस मुद्रा को चुनाव किए हैं कि इस मुद्रा में मुझे स्वाद, स्पर्श का स्वाद मिल रहा। जैसे ही इस मुद्रा से मुझे दुख मिलने लगता है, दूसरे मुद्रा का चयन कर लेता हूं। तो ये चयन किया ही हुआ हूँ निरंतर हर चीज का। जैसे सुनने का चयन आप किए हुए हैं, आप ही तय करते हैं कि कब नहीं सुनना है, तो सुनने का भी चयन किए हुए हैं। आपको जहाँ भी जो चीज अच्छा लग रहा है उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए हम निरंतर चयन किए हुए कि इनको सुनना है कि नहीं सुनना है, कब सुनना है, कितना सुनना है। अपने परिवारों में ऐसे कहते हैं कि माँ बाप का कितना सुनना है, कब सुनना है, जब अपने काम बनाना है तब सुनना है। हमने मान रखा है ना, वो तो मान्यताओं के अनुसार ये सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं।
सब हमारे तय, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हो रहा है अपने अंदर। फिर क्या है, बहुत सारे चीज हमें चयन करने में तो कोई दिक्कत होती है ना, तो हम क्या करते हैं, तुलन करते हैं। तुलन करने का प्रयास करते हैं, तुलन मतलब तोलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बाजार में आप गए, बाजार में आप गए तो जैसे आपको फल लेना है तो केला भी है, सेब भी है, अभी अनानास भी आ रहा है ना, तो आप तोलते हैं कि कौन ज़्यादा हम मेरे को ज़्यादा आस्वादन मिलेगा किससे, किससे मुझे ज़्यादा स्वाद आएगा। और तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, अभी छह प्रकार के होता है कि अभी तीन प्रकार के कर रहे हैं। ये तीन प्रकार हैं, हम तुलन कैसे करते हैं इन तीनों के बीच। हमको जो प्रिय लगता है, अब केला प्रिय है तो हम देखते हैं कि अगर केला महंगा है, प्रिय तो है लेकिन मेरे बजट के बाहर है, मेरे बजट के बाहर है, तो उससे कम प्रिय क्या है, सेव, या उससे जो कम प्रिय है उसको देखने का प्रयास करते हैं। हाँ ये कितने का है, मेरे बजट के अंदर है और प्रिय है कि नहीं। और जो जिनकी मान्यता शरीर स्वस्थ रहे तो वो क्या करता है, कितने भी कीमत का हो, है ना, मेरे शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक है तो मैं जितना भी पैसा जाए। तो ये तीनों के बीच में तुलन करते रहता। तो ये प्रिय मतलब इंद्री सापेक्ष, हित मतलब शरीर सापेक्ष, और लाभ मतलब धन सापेक्ष। इसमें मैं निरंतर कर रहा हूं ये तीनों चीज का हर समय। जैसे कि यहां भी मैं तुलन कर रहा हूं, यहाँ भी तुलन कर रहा हूँ कि यहाँ बैठूँ कि नहीं बैठूँ। घंटी बज जाए तो सुनना ज़्यादा आवश्यक है, मेरे लिए प्रियकर है कि चाय पीना ज़्यादा प्रियकर है। तो जिनको चाय पीना ज़्यादा प्रिय है वो सुनना छोड़ करके चाय पीने के लिए जल्दी से चला जाए। जो जिन्होंने मान रखा है कि सुनने से ज़्यादा लाभ या सुनने से ज़्यादा सुख है वो यहाँ बैठेगा, उसमें भी तुलन करते हैं। तो उसमें भी ये देखते हैं, और क्या है, तुलन ठीक से नहीं हो पाता ना, कि ये करूं इसको लूं कि इसको नहीं लूं, है ना, वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, विश्लेषण। विश्लेषण मतलब परत दर परत खोल के देखते हैं कि केला लेने से क्या होगा, केला में क्या क्या विटामिन प्रोटीन है, केला खाने से क्या फ़ायदा है, सेब खाने से क्या फ़ायदा है। हम तय नहीं कर पाते हैं ना, तुलन नहीं कर पाते, उसी के लिए विश्लेषण करते, सोच विचार करते हैं, तो सोच विचार कहते हैं ना, तो यही विचार करते हैं,
उनको क्या है, कितना है, कैसे हैं, ताकि ये तुलन हो पाए और उसका मैं चयन कर पाऊँ, उसका स्वाद ले पाऊँ। ये क्रिया मैं निरंतर कर रहा हूँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भी, जैसी मान्यता है उनके अनुसार से। कंजूस आदमी होगा तो सड़ा हुआ केला 20 रुपये मिल रहा हूँ, जैसी मान्यता है उसने क्या है, धन में ही ज़्यादा सुख मान लिया, इसलिए धन कैसे बचे भैया। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो यहाँ पे जैसी दृष्टि होगा उनके अनुसार से वो चयन करेगा, तुलन करके चयन करेगा। तो इसी को दृष्टि कह रहे हैं, तुलन को। कौन सी दृष्टि है, प्रिय दृष्टि है कि हित दृष्टि है कि लाभ दृष्टि, तो उनके दृष्टि में उनकी मान्यता में जैसे है तो हम पहचान लेते हैं ना, कौन कंजूस आदमी है, कौन जो है शरीर के बारे में सोचने वाला आदमी है, कौन ज़्यादा इंद्रिय लोलुपता में फंसा हुआ आदमी है, यानी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए उसी को, अगर बहुत लोग प्रिय है तो उसी के लिए पैसा कमाना और वैसे ही खाना पीना करते। जैसे सुनने में आता है कि जैसे पार्टियों में जाते हैं ना, पार्टियों में जाते हैं तो खूब कस के खाते हैं और उसके बाद आप खाएं उसके बाद तो और खाने का मन कर रहा है, तो क्या करते हैं, जाके उल्टी करते हैं उसको, फिर आके खाते हैं, ऐसा सुनते हैं, हमें पता नहीं है भाई, देखा नहीं, ऐसा सुनने में आता। तो ऐसा कौन है जो प्रिय में, प्रिय दृष्टि जिनकी ज़्यादा है वो ऐसा करेंगे। तो खाने के लिए लोलो पर जहाँ खाने मिल जाए वहीं वो पहुँच जाते हैं, वो इसी चीज़ को ढूंढते रहते हैं, वैसी उनकी एक्टिविटी होती है। तो उसी के लिए वो विश्लेषण करते रहता है कि प्रिय चीज़ मेरे को कैसे मिले, उसी के लिए वो क्या करते रहता है, विश्लेषण कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिल जाए, उसी के लिए सारा आप सोच विचार, उसी के लिए सारा सोच विचार करते रहते। और ये निरंतर हो रही है हमारे अंदर, ये निरंतर हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और क्या करते हैं, इसी के लिए और ठीक से तुलन हो सके उसी के लिए हम क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। कोई भी चीज का मैं ठीक ठीक चित्र बना लेता हूँ, स्पष्ट चित्रण कलमन मैंने वो स्पष्ट उसको देख लेता हूँ, है ना, कि हाँ कि आम ही मेरे लिए ठीक होगा, आम ही मेरे लिए ठीक होगा, मैं ऐसे उसका चित्र बना लिया कि आम से हाँ स्वाद भी अच्छा मिलेगा, शरीर को भी अच्छा हो लगेगा। ऐसे जैसे ही मैं चित्रण अपने सुख के लिए बना लिया, और ये हमेशा निरंतर बनाते रहता हूँ, चित्रित करते रहता हूँ क्या मेरे सुख के लिए, क्या डिजाइन करते रहते सुख के लिए, हमेशा डिजाइन करते रहते, वो यहीं से करते चित्रण। तो चित्रण ठीक से हो पाता है तो उसी का तुलन कर पाते हैं, उससे चयन करते हैं, उससे आस्वादन लेते हैं। जब तुलन ठीक से नहीं होता हो पाता, उसी के लिए सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि कैसे मिले। ये निरंतर चल रही है और इसी
इसी में हम रात दिन लगे हुए हैं, जहाँ सुख माने उनके लिए, जिसमें भी हमको सुख नज़र आ रहा है, रुचि मूलक में, मूल्य मूलक में, लक्ष्य मूलक में, प्रीहित लाभ में, इसी में हमारा पूरा जिंदगी बीत रहा है। इतना समझ में आया, ये हो रहा है सबके अंदर? ये निरंतर अपने अंदर ये निरंतर क्रिया हो रही है, निरंतर। हमारा ध्यान नहीं है तो नहीं दिख पाता, ध्यान देने से देख पाते हैं, क्योंकि इतना तेज गति से चल रहा है, इतना तेज गति से चले, इनका स्पीड इतना है, मनोगति, तो इसको ठीक से देखना है तो ठीक से ध्यान देना पड़े। तो यहीं पे स्मृति होती है, स्मृति जो कहते हैं ना, स्मरण करते हैं ना कोई भी चीज को, जैसे बहुत दिन की घटनाओं को याद रखते हैं, तो वो घटना का जैसे तैसा चित्रण कर पाते हैं, नहीं जैसे घटा था वैसी देख पाते हैं, आज भी हमारे जीवन में स्टोर है कि नहीं? तो स्मृति कहाँ पे है? यही चित्रण। तो सारी मान्यताओं का चित्रण हम यहाँ पे बिठा लिए रहते हैं। बाहर से जितने जैसे कि टीवी में देखे, ठंडा मतलब कोको कोला, तो हमारे मान्यता में बैठ गया कि हमको ठंडा कौन करेगा, सूख कौन पहुंचाएगा, कोको कोला पहुंचाए, तो हमारे मान्यता में हम जाके कोको कोला खरीद लें। बाहर से सारी मान्यताएं यहीं पे स्टोर होती है, जो मान्यताओं से हम चालित होते हैं, ऐसे चित्रण करते हैं, फिर तुलन चयन आस्वादन ऐसे करते हैं, इसी से फिर हम सारे कार्य व्यवहार कर रहे हैं। अभी तक के सारे कार्य व्यवहार हमारे ऐसे चल रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इसको और अब नाम दे देते, अब क्या कह देते हैं, नाम दे देते हैं इसको। तो ये आस्वादन और चयन जहाँ पे हो रहा है उसी को मन कह रहे हैं। लेकिन मन बहुत चंचल है, तो क्यों चंचल है? वो स्वाद चाह रहा है, सुख चाह रहा है, तो यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ जाता है, वहाँ नहीं मिलता तो वहाँ जाता है। मन चंचल है कहते हैं ना, बहुत मन चंचल है, क्योंकि उनको तो वो बेचारा क्या चाह रहा है, स्वाद चाह रहा है, सुख चाह रहा है, और सुख की वस्तु नहीं देंगे तो वो तो ढूंढेगा ना, जीवन विद्या में आएगा, नहीं तो और कोई ए में जाएगा, नहीं तो समोसा खाने जाएगा, नहीं तो और कुछ करने जाएगा। जहाँ उन्होंने सुख मान लिया उधर उधर जाएंगे, और तब तक चंचल रहेगा ये, जब तक इनको सुख की, पूर्ण सुख की, निरंतर सुख की वस्तु इनको नहीं दे देंगे। निरंतर सुख की वस्तु इनको जब तक नहीं देंगे, तब तक ये यहाँ वहाँ जाते रहे, जहाँ वो माना है सुख चाहता है, उनकी मजबूरी है, सुख नहीं मिलेगा तो कैसे कैसे क्रिया, सुख के बिना, सुख के लिए तो सारा क्रिया कर रहे हैं, और सुख की वस्तु हम उनको दे नहीं रहे हैं, तो चंचल नहीं रहेगा तो और क्या रहे। इसीलिए मन अशांत है, मन पीड़ित है, स्थिर ही नहीं रहता है, ऐसा बोलते हैं ना,
उसी जहाँ पे तुलन विश्लेषण हो रहा है उसको नाम दे दिए वृत्ति। ये नाम, ये क्रिया जिस जहाँ पे हो रही है उस क्रिया को वृत्ति कह रहे। ठीक है ना, जैसे शरीर को नाम दे दिए है ना, तो शरीर भी एक क्रिया ही है ना, क्रिया हो रही तो इस क्रिया को एक नाम दे दी। वैसे आस्वादन और चयन जहाँ पे हो रहा है उसको मन रा नाम रख लिए। नाम तो कुछ भी रख सकते, मन के जगह और कुछ भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रिया ये हो रही है। वृत्ति में तुलन और विश्लेषण हो रहा। हाँ नहीं, चित्रण क्रिया चित्त में, उनका नाम चित्त, मेरा चित्त। तो चयन कोई अपेक्षा से करते हैं, कोई आशा से करते हैं, कोई अपेक्षा सुख की आशा से चयन करते हैं, इसलिए चयन क्रिया को आशा भी कहते हैं। चयन को क्या कहते हैं? आशा। क्योंकि कोई अपेक्षा से, कोई आशा से करते, सुख की आशा से चयन करते हैं, इसलिए चयन क्रिया को आशा भी कहा। तो इसी कहते हैं ना, मेरी आशा है कि आप ऐसा करें तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, तो चयन किस लिए करते हैं? उसी उम्मीद में करते हैं ना, सुख की उम्मीद में। अलग करना नहीं, चुनना मतलब चुने मतलब उनको लिए ना उम्मीद में। कौन सी उम्मीद? सुख की उम्मीद। सुख की उम्मीद में लिए। तो इसी को आशा कह रहे हैं। और जो विश्लेषण कर रहे हैं उसी को विचार कर रहे हैं। और जहाँ पे चित्रण कर रहे हैं उसी को इच्छा कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा है, मेरा विचार ऐसा है, ऐसी भाषा बोलते हैं ना, मेरी भाषा ऐसा है, तो यहाँ हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, हमें क्या है, हम सुख चाह रहे हैं और सुख चाह रहे हैं उसी के आस्वादन कर रहे हैं, उसी के अनुरूप तुलन नहीं हो पाता है, दोनों में विरोध हो जाता है, उसी दोनों में विरोध हो जाता है, उसी को दुख कह रहे हैं। किसमें? चयन और विश्लेषण में मेरे विचार और आशा में लड़ाई चलती है, विरोध होता है, उसी को दुख के नाम से हम जानते हैं। एक सुतता हो विचार के अनुसार, आशा हो, तब तो सुख, लेकिन इसमें दोनों में विरोध हो तो उसी को दुख कर। और विचार और इच्छा में विरोध हो उसी को का नाम अशांति कर।
और आगे और आएगा जो बुद्धि है, अभी वो बुद्धि अभी खाली है, बुद्धि की क्रिया आगे खाली है, कैसे वो क्रिया चलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इच्छा और बुद्धि की क्रिया जिसे रितंभरा कहते हैं, उसमें विरोध होता है, उसी को असंतोष कह रहे हैं। तो यही जीते जी नर्क, दुख अशांति असंतोष में है ना, यही जीते जी क्या है, नर्क में, जिनका ऐसा है विरोध है पूरा। और यही जीवन में विरोध है, वही बाहर प्रकट होता है। कोई आदमी बिना कारण के क्रोधित हो जाता है ना कई दफे, क्योंकि उनके इसमें दुख, विचारों में अशांति, आशा में दुख, इच्छा में असंतोष रहता है। तो थोड़े से कुछ बात किए, थोड़े से विपरीत में कई दफे गुस्से से यानी गुस्सा हो जाता है, थोड़े में ही वो जो है उग्र हो जाता है, आवेशित हो जाता है। उनका कारण क्या है, वो पहले से ही दुखी है, अशांत है, असंतोष। तो उसके कारण थोड़े से ही कुछ कारण हुआ, खूब उबल पड़ता है। उनका कारण है इसमें, उनके अंदर बहुत विरोध, विरोध से भरा हुआ है। ठीक से क्या सही है क्या गलत है वो तय ही नहीं कर पा रहा, उन्हीं के कारण से विरोध है, असंतोष। बुद्धि है ना, अभी बुद्धि खाली है, अभी हमारे हमारी बुद्धि में अभी कोई मटेरियल ही नहीं गया, क्योंकि वो मटेरियल कैसे जाता है बताते हैं अभी। मटेरियल कैसे जाता है उसको बात करते हैं। नहीं नहीं है, लेकिन वो एक्टिव नहीं, एक्टिव नहीं। जैसे कि कोई सही आदमी आए, जैसे वो उस समय बता रहे थे ना कि दो जने तलवार से लड़ाई कर रहे हैं, अब एक समझदार आदमी वहाँ पे एक्टिव होगा क्या? क्योंकि बिल्कुल गलत है भाई, उसमें जाऊँगा तो वो तो दोनों मुझे मार डालेंगे, इसलिए एक्टिव नहीं होते। वैसे ही जब भी हम गलत कर रहे होते हैं ना, प्रीहित लाभ में लगे होते हैं, तो बुद्धि चुप रहता है, एक्टिव नहीं रहता। हाँ हाँ, बुद्धि काम नहीं करता कह सकते। ठीक है दीदी, ठीक ठीक रख रहा हूँ ना, कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते। हाँ जोड़ सकते, बताइए बताइए। हाँ दीदी, इसी को ले लीजिए। दीदी भी क्या है, बहुत सालों से लगी हुई है, उनको भी 7-8 साल हो गया। हेलो, इसको दीदी के माध्यम से भी एक बार देख लो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अलग अलग लोगों से सुनेंगे। सभी को नमस्कार। ये इसको जो रख रहे हैं तो दोनों चीज़ आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा, शरीर और जीवन दोनों मिल करके मनुष्य हैं। जैसे बिना शरीर के अगर जीवन है तो उसको अभी परंपरा में आत्मा मान रहे हैं, आत्मा के नाम से जान रहे हैं, और अगर बिना जीवन का शरीर है उसको डेड बॉडी, लाश, शव इस तरह से बोलते हैं, लेकिन मानव नहीं बोलते। कोई व्यक्ति हमारा कितना भी प्रिय होगा या रिश्तेदार होगा, जो भी होगा, अगर जीवन उस शरीर को छोड़कर चला गया, उसकी लाश को जल्दी हटाओ या रखो, या उसकी लाश है, डेड बॉडी आ रही है, ऐसा बोलते हैं। नाम से भी नहीं बोलते कि वो आ रहा है। तो ये क्लियर हो दोनों चीज़ें। तो ये जो बताई जा रही है वो यहाँ पर जो हम रख रहे हैं, वो जो अभी भैया बोले कि ऊपर जो बुद्धि की क्रिया है वो अभी चुप है। चुप क्यों है, उसके काम की चीज़ें नहीं है तो वो नहीं ध्यान देता। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो लोग आपस में सुलह कर लेते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते उस पर, उन लोग निपट लेंगे, हमको क्या है, इस टाइप का। तो
तो यहाँ उनकी भी क्रिया, तो यह जागृत जीवन में 10 क्रियाएं होती हैं और अभी हम भ्रम में हैं, तो मूलतः क्या है? 1, 2, 3, 4 तुलन का आधा जो अभी प्रीहित लाभ बताए हैं, तो केवल 4.5 क्रिया में हम जी रहे हैं और ऊपर 10 क्रिया में जो 5.5 भाग है वो हमारा खाली है। तो जिस भी व्यक्ति का 5.5 भाग खाली हो, 4.5 क्रिया में जी रहा हो, तो बड़ा सा भाग खाली है, तो वो खालीपन की सूचना हम तक पहुंचते रहती है और वो दुख के रूप में हम पहचानते हैं उस चीज़ को। तो हम पूरी चीज़ को भरना चाहते हैं, तो उधर क्या है, यहाँ एक छन्नी लगा हुआ है यहाँ पर, जो गलत चीज़ें हैं, जो प्रीहित लाभ में है, जो हमारे इंद्रिय सुख के लिए है, वो क्या है, ऊपर जाता ही नहीं है, वहाँ से छन जाता है, वो भी मेरे काम का नहीं है। तो एक बात और भैया ने कहा कि मन जो है चंचल है, ऐसा सभी बोलते हैं, तो वो चंचल नहीं है, मन सुख के लिए निरंतर शोधरत है, हर घड़ी हर पल शोधरत है। शोधरत है ये हम कैसे समझ पाते हैं? कोई चीज़ हमको जैसे दिखती है, चलो वहाँ अच्छा लगेगा, 2 मिनट में रिजेक्ट कर देता है, नहीं ये भी नहीं और कुछ, ये भी नहीं और कुछ, चलो ये खा के देखता हूँ, वो खा के देखता हूँ, ये खरीद लूँ, ये पहन लूँ, ऐसा दिख जाऊँ, किसी का तारीफ सुन लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो ये सारा चीज़ को बिल्कुल यूं ही रिजेक्ट करते जाता है, क्योंकि वो जीवन निरंतर क्रिया है। तो जो निरंतर है उसको निरंतरता की प्यास है। कल जैसे संकेत भैया जी बोले, जो जिससे बना है वही उसकी आवश्यकता है। तो शरीर एक समय बाद रहेगा, एक समय बाद नहीं रहेगा, शरीर को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, तो शरीर की जितनी आवश्यकता की वस्तु है उसको भी हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं। शरीर एक समय के बाद रहेगा नहीं, सीमित समय के लिए है, तो इसकी आवश्यकता की पूरी वस्तु को देख लीजिए, एक समय बाद नहीं रहेगा। और जीवन निरंतर चीज़ है, तो जीवन की सारी आवश्यकताएं निरंतर है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है। और सबसे बहुत अच्छी बात है कि जीवन की जितनी आवश्यकताएं की वस्तु है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रकृति में एक भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा उसके लिए। अब उसको चेक करके कैसे देख सकते हैं? यदि आप किसी व्यक्ति को कहो कि मैं 5,000 पर मंथ पे करूँगा, मुझे महीना भर खाना दीजिए, तो शौक से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप किसी को बोलें कि मैं आपको 5,000 पर मंथ पे करूँगा, आप पूरा महीना भर मेरा सम्मान कीजिए, करेगा क्या? यदि आप सम्मान के लायक हैं तो बिल्कुल कुछ भी मत दें, बराबर सम्मान करेगा। और आप कितना भी पैसा दे दीजिए, अगर आप सम्मान के लायक नहीं हैं तो नहीं कर सकेगा। हाँ, एक काम कर सकता है, सम्मान करने का ढोंग कर सकता है पैसे के लिए, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, वो पैसा मुझे कैसे ये देता रहे, इससे मुझे मिलता रहे, तो आपके सामने हाथ जोड़ेगा, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा, वो ढोंग कर लेगा, सम्मान बहुत करता हूँ, और पीठ पीछे बोलेगा कि क्या करूँ, मजबूरी है, मेरा घर चलना है इसके माध्यम से, मुझे पैसे मिलते हैं, परिवार चल रहा है, इसलिए सहना पड़ता है। लेकिन ये आदमी तो ठीक नहीं है, तो ये हर घड़ी हमारा चलते रहता है। तो ये जो मन जो है सुख के लिए हर क्षण शोधरत है, तो वो करता क्या है? अभी हम प्रियहित लाभ को पहचाने हैं, जैसे मानव का आगमन कब हुआ है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था के बनने के बाद, तो इसमें क्या है, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण जैसे भैया बोले, तो हम किसी चीज़ को देख कर सुन कर सीखते हैं उस चीज़ को। तो जाहिर सी बात है, पशु जो है हमारे से पहले आया है, उसके बाद हम आए हैं, तो हमारे जो उस हिसाब से रहे हैं तो उनको देखें, उन लोग आपस में खाना के लिए लड़ाई करते हैं और कोई भी चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं, किसी को हरा देते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है। तो उस हिसाब से निर्णय निकाल निकाल के जो है आदमी यहाँ तक पहुँचा है। और पशु में और मानव में जो दो चीज़ का बेसिक अंतर है, वो प्रकृति में मनुष्य को दो चीज़ मिला हुआ है, प्रकृति प्रदत्त जो है कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता मिला हुआ है। तो कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता है, तो चूँकि मानव जो है कल्पनाशील है,
तो कर्म स्वतंत्रता है उसके पास, कल्पनाशील होने से वो सोचते रहता है तरह तरह की चीज़ें। तो अभी उनकी मान्यता है, जैसे भैया बोले मान्यता का मतलब क्या है, मानना किसी चीज़ को हम जैसे माने रहते हैं, मानना होता है। तो ये मानने के आधार पर हमारी कल्पनाशीलता जो है काम करती है, इसीलिए बोलते हैं मानव जो है कल्पनाशील है। और एक जो हमको मिला है कर्म स्वतंत्रता, तो एक सूत्र बाबा जी ने कहा है कि भ्रमित आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है और फल पाने में परतंत्र है, क्योंकि भ्रम की अवस्था में प्रीहित लाभ के अनुसार जो हम काम करते रहते हैं तो उसमें हम कर करके देखते हैं तो परिणाम निश्चित नहीं आता। तो जो परिणाम मुझे स्वीकार होता है खुश होती हूँ, और जो अस्वीकार होता है तब दुख मिलता है। क्या करने से कैसे परिणाम आएगा ये हमको मालूम ही नहीं है, तो हम इसी को कर करके देखते हैं, चलो कर लिया जाए, देखते हैं फिर बाद में जो होगा, तो वो हमको नहीं मिल पाता। तो यहाँ जीवन क्रिया की बात है, तो ये जैसे हम शरीर के एक निश्चित अंग हैं, दीदी बोल रही थी बुद्धि जीवन से अलग है क्या करके, तो उसको मैं क्लियर कर दूँ। जैसे हमारे शरीर के इतने सारे अंग हैं, हाथ पैर नाक कान जितने भी हैं, तो वैसे बुद्धि भी जीवन का एक अंग है। पांच अंगों से मिल करके जीवन बना है, जिसमें मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, और इसके ऊपर में आत्मा है। तो जिस तरह से हम पैर का काम हाथ से नहीं कर सकते, चलने का काम है पैर का और हाथ से हम चल नहीं पाएंगे, हाथ से भोजन करते हैं पैर से भोजन नहीं कर पाएंगे, तो जिस तरह से शरीर के एक अंग का काम दूसरे अंग से हम नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से जीवन में भी एक निश्चित अंग है और उनका निश्चित काम है। तो ये जो है आस्वादन करना और चयन करना, जिस अंग से हम चलते हैं उसको हमने पैर नाम दे दिया, तो जिस स्थान पर जीवन में चयन और आस्वादन होता है उसको मन कह के पहचानते हैं मन नाम से। तो इसको हमने देखा कि आस्वादन कहते हैं वो पांच इंद्रियों के माध्यम से, पांच इंद्रियों के माध्यम से। तो इसको कहा रूप रस गंध स्पर्श, तो देखने का काम होता है हमारा, जैसे ये है रूप शब्द स्पर्श गंध और स्वाद। इसको स्वाद को रस कहा, दर्शन के भाषा में इसको रस बोलते हैं। तो रूप देखते हैं, रूप के क्रिया को देखने को के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जितना भी साकार वस्तुएं हैं उनको हमको देखने से सुख मिलता है, वहाँ मन जो है काम करता है। शब्द है तो ये शब्द बेसिकली ध्वनि है, जैसे हम कोई भी चीज़ को किसी को सुने, कोई किसी सिंगर सभी का फेवरेट कोई ना कोई सिंगर होता है, इसकी आवाज़ अच्छी है, उसकी नहीं है, इसका हमको सुनना है, उसका नहीं सुनना है। तो यहाँ शिविर लेने में भी एक चयन होते रहता है कि उस भैया का शिविर अच्छा होता है, ये भैया थोड़ा कम समझाते हैं, अपने में तुलन चलते ही रहता है, बाकी विद्या को ही समझाएंगे, इससे अलग कोई हट के जाएगा नहीं, लेकिन अपनी अपनी एक जो तरीका होता है उसमें अंतर पड़ जाता है। तो इसको कहा ये जो स्पर्श में जो भैया अभी बताए हैं, जो कठोर चीज़ है या नर्म चीज़ है, तो इसमें भी हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति काम करते रहता है, त्वचा के माध्यम से स्पर्श का काम होता है। और ये जो नाक से हम जो ये गंध को लेते हैं और जीभ से रस को लेते हैं, तो इसमें भी क्या है, मेरी स्वीकृति और अस्वीकृति के हिसाब से है, पसंद और नापसंद सब में। तो जिसको हम पसंद करते हैं वहाँ सुख के रूप में स्वीकार करते हैं, और जिसको हम नापसंद करते हैं उससे दूरी बना के रखते हैं। तो जीवन भी एक निरंतर है, तो उसमें जो पसंद आता है उसकी बारंबारता को चाहता है,
कोई चीज़ में सुख मिला तो वो बार बार करना चाहता है उस चीज़ को, दुख मिला तो उसको अवॉइड करना चाहता है। तो यहाँ पर केवल खाने वाली चीज़ नहीं है, जो पांच इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो पांच इंद्रियों से हमको जो भी सुख मिले उसी में मन लगा रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमको कोई चीज़ का स्वाद लेना है तब चयन करते हैं। उदाहरण के लिए मान लें, समोसा का बहुत आता है उदाहरण, समोसा खाने का मन हुआ तो मन में एक आशा जगी, क्या आशा जगी, मिल जाता तो खा लेते, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पहले ये चित्रण समोसा का आ जाएगा अगर रखा हुआ है तो, खाए हैं तो, है ना, तो साथ में क्या चलेगा, विश्लेषण में क्या चलेगा, गर्म होगा, ताज़ा होगा कि पुराना होगा, ये सब चलते रहेगा साथ साथ, उसका आस्वादन चलते रहेगा। बासी है तो, पुराना है, ठंडा है तो उसकी स्वाद कैसे रहेगी, गर्म रहेगा तो कैसे रहेगी। तो ये सारी चीज़ फिर अंदर का मटेरियल क्या क्या डाला होगा, कैसे बनाया होगा, फिर उसमें और सूक्ष्मतम में जाएंगे तो साफ़ सफाई का ध्यान रखा होगा कि नहीं होगा, कोई बड़ा बड़ा सा होटल का है कि ऐसी सड़क छाप दुकान का है, मक्खियाँ बैठती हैं, जैसा भी है, बहुत सारा चीज़ साथ साथ चलते रहता है विश्लेषण में, तब ये विचार में आता है। तो हम इसको, इसी को तर्क शक्ति बोले हैं। अभी हम किसी को बोलते हैं ना वो बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धि का प्रयोग तो है नहीं, बुद्धि चुप है, तो तर्क शक्ति को ही हम लोग अभी बुद्धिमान माने हुए हैं, है ना। जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें तर्क शक्ति का जाँच होता है, तो जिसकी तर्क शक्ति मतलब ये विश्लेषण क्षमता जो है सबसे अधिक है, उसी को अभी हम बहुत बुद्धिमान माने रहते हैं। तब उसमें विश्लेषण में एक एक चीज़ आता है, खाना है तो अभी खाना है कि कब खाना है, एक खाना है कि दो खाना है, मैं खुद जाके लाऊं, और जाके लाऊं तो पैदल जा सकती हूं क्या, कितना दूर है, कहाँ मिलेगा, किसके दुकान का सही होगा, बाइक से जाऊं कि साइकिल से जाऊं कि पैदल जाऊं, यदि मैं नहीं जाती हूं तो किसको भेजूं, इसको भेजूं कि उसको भेजूं, वो ठीक से लाएगा कि नहीं, मना करेगा कि हाँ करके चल देगा कि क्या करेगा, फिर कितने पैसे देने पड़ेंगे, या उतना पैसा मेरे पास है कि नहीं है, या ऐसी उधार मंगवा लूं बाद में चुका दूं। तो दुनिया भर का चीज़ इसमें क्षण भर नहीं लगता, बहुत सारे वैरायटी के हिसाब से वो तर्क करता है। फिर वो सामान लेके आ गया तो कैसे रहेगा पब्लिक के, जैसे यहाँ कोई मंगा लिए, सब लोग के बीच खा पाऊँगा कि नहीं खा पाऊँगा, चलो खाते तक थोड़ा बिल्डिंग के पीछे में चला जाऊं, फिर वहां से खा के आ जाऊं, अरे खुशबू आएगा, सब लोग पहचाने जाएंगे खा के आया करके, या कैसे करूं, मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं, या तो स्वीकृत करता है तो पूरा चीज़ को अमल करता है, और पूरा चीज़ करने के बाद कैंसिल करना रहता है, कैंसिल करना है, हटाओ किसी दिन और देखते हैं। तो वैसे शिविर की भी बात होती है, शिविर में जाने की बात हुई तो कोई कहता है तो हम इग्नोर करते हैं, कोई कहता है तो मान लेते हैं क्योंकि उसका सम्मान करते रहते हैं, टाल नहीं सकते, अरे उसने कहा चलो चल दें, फिर आए सुने, फिर अपने में तौलने में लगता है। तो मेरा जब पक्ष भारी हो जाता है सुनने का समझने का, तो हम क्या चयन करते हैं, नहीं बढ़िया है जाना है हमको, और भी जाना है, फिर मन लगता है ये मेरा दोस्त है वो भी सुन ले, मेरी पत्नी सुन ले, मेरा पति सुन ले, मेरा भाई सुन ले, मेरा माँ बाप सुन ले, उनके लिए अच्छा है, वो सुन ले तो और हमारे परिवार में अच्छा बन जाएगा। तो हम कितने सारे चीज़ों को सुनते भी रहते हैं और विश्लेषण हमारे अंदर चलते रहता है, चयन होता है, और चयन हो के एक निर्णय हो जाता है अपने में, मैं घर जा लूँ तो आज इसको ऐसे ऐसे बताऊँ, या उसको फ़ोन द्वारा बोलूँ चलो आप भी चलो अच्छा चीज़ है ऐसा ऐसा है कुछ बताऊँगा। तो साथ में ये चयन आस्वादन भी होते रहता है और हमारी ये निर्णय भी होते रहता है। तो निर्णय की क्षमता भी यहीं से आता है, पूरा चीज़ को विचार हम जब कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं तो उसके लिए तुलन होता है। तो भैया आपको बताए कि तुलन की, ये तुलन जो है बेसिकली ये दृष्टि है, इसकी छह दृष्टि है, एक को जो है बोले प्रिय हित लाभ है, दीदी दीदी जी अभी ना वो वाले को कल खोलेंगे, हाँ नहीं उसको नहीं बोलूंगी। तो ये जो हमारा अभी इधर है, तीन जो भैया बताए हैं, प्रिय बोले, हित बोले, और इधर लाभ बोले। तो संकेत भैया जी आप लोगों को बहुत अच्छे से उस दिन बताए थे प्रिय हित लाभ के बारे में, है ना। तो ये तुलन की ही दृष्टि है। तो अभी हम ये एक
दो तीन और ये चार और ये तुलन का आधा, तो कुल मिला के हमारा जीना अभी 4.5 क्रिया में हो रहा है और उधर का जो 5.5 भाग है वो खाली है। तो इसके लिए हम जितना भी करते हैं तो मन को क्यों चाहिए, मन एकदम, मन जो है निरंतर क्रिया है तो उसकी आवश्यकता भी निरंतर है। तो सुख के लिए शोधरत है तो निरंतर सुख कैसे मिलेगा उसको, जब इतने में हार्मनी हो जाएगा इसमें जो है मन और वृत्ति में जब एक रूपता हो जाएगा। अब इसको हम छोटा मान ले, इसको इससे बड़ा मान ले, इसको इससे बड़ा मान ले, तो जो बड़ा होता है उसके अनुसार से छोटा जब काम करता है तो सही काम करता है सर, अभी देखने में आया है। तो मन इधर शरीर से जुड़ा हुआ है, मन का सीधा संपर्क शरीर से है और शरीर का भाग है 5 इंद्रिय जो है, तो इंद्रियों से जो भी सूचना जाता है मन को जाता है, तो मन उसके अनुसार अभी क्या करता है, आस्वादन चयन करता है, तुलन करता है, विश्लेषण करता है और उसकी एक चित्रण रहता ही है जिस चीज़ को हम देखे हैं, पहले किए हैं, खाए हैं या ले हूँ, या हम अपना नहीं देखे तो दूसरे का देखे हैं। तो भैया आवश्यकता के बारे में जब बात किए होंगे बताए होंगे कि मेरी आवश्यकता मैं तय करता हूँ कि पड़ोसी तय करता है ना। हम किसी के घर में कोई चीज़ देख लेते हैं तो वैसे ही मुझे चाहिए या उससे भी बेहतर चाहिए, उसके घर में कोई चीज़ एक है तो मेरे घर में 2 चाहिए या 4 चाहिए, तो ये भी हमारे मान्यता में देख के आता है बाकी चीज़। तो इस तरह से है प्री जो है इंद्रिय मूलक, भैया बोले तो ये जो है ये 5 स्थिति है उसके हिसाब से ये प्री है हित स्वास्थ्य के लिए। तो कभी क्या होता है हमको कोई चीज़ बहुत प्रिय है और हित के लिए नुकसान है शरीर के लिए, जैसे किसी को शुगर हो गया है उसको मीठा खाना बहुत पसंद है पर डॉक्टर मना किए हैं या उसको खाने के बाद कुछ परेशानी होती है वो महसूस करता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है उसका हमारे पास सूचना रहता है तो अस्वस्थ है उसको हम पहचान पाते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है इसका अपने पास कंटेंट नहीं रहता तो हम नहीं जान पाते, तो ये रहता है तब क्या करता है कितना भी प्रिय है तो भी नहीं खाना है, तब क्या हुआ ये जो प्रिय पर हित भारी पड़ गया। और जब जैसे कहीं काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तब क्या कहा कि इतना पैसा आपको मिलेगा ओवर टाइम कर लो, तो वहाँ लाभ दिखा तो उसको पसंद भी नहीं है ओवर टाइम करना और उनके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, थकान बहुत लग रहा है वो लोग उसको, तब भी से क्या करता है अरे इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा मैं ओवर टाइम कर लूँ। तो वहाँ पर प्रिय और हित दोनों पर लाभ जो है भारी पड़ जाता है। तो इस तरह से आपस में ये सोच विचार करते हुए चलते हैं। तो इसकी बात अभी हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ही सूचना नहीं है मन क्या करे, है ना, क्या करने से क्या होगा, तो वो पूरी सूचना हमको मिल जाए, इसीलिए जीवन विद्या है। जीवन विद्या तो जीवन क्या है उसको समझ जाऊँ, उसके पूरे क्रियाकलाप को समझ जाऊँ, उसकी आवश्यकता को समझ जाऊँ, तो उसके हिसाब से इधर बातचीत होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बताइए। इच्छा और आशा में कोई बात हमारी सबसे पहले आशा रूप में आता है, फिर उसमें विचार होती है, तब इच्छा बनता है। इच्छा बने बिना हम उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, नहीं परिणित होता। आशा में रहता है चलो हटाओ अभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इच्छा में भी और भी है, जब तक वो तीव्र इच्छा में परिणित नहीं हो तब तक हम उसको तुरंत नहीं करते हैं, है ना। और आगे बात होगी उसमें, अभी तो जीवन क्रिया काफ़ी दिन चलेगा, एक एक चीज़ को रेशा रेशा खोल के बताएंगे सारा चीज़ होगा, इसका मूल बात जीवन क्रिया ही है। तो जीवन क्रिया को ही लेकर भैया जो बोले कि रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, तो मूल्य मूलक की बातें आएंगी तो पूरा मूल्य आएगा अपना, लक्ष्य मूलक की बात आएगी तो लक्ष्य आएगा, तब मानव क्यों जी रहा है, हमारे होने का पर्पज क्या है, वो खुल के सामने आएगा, तो वो हमको पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, टाइम भी हो गया, अब सभी को नमस्कार।
शरीर में ऐसा बोला है कि जो जीभ का जो हरकत है तालू से या यहाँ से, तो वहाँ एक कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसके अनुसार से ध्वनि निकलता है। कई लोगों का उसके बाद में उसके आउटपुट से ध्वनि नहीं निकलता। क्या रहने से? सब चीज रहता है, उसके बाद भी मुंह से आवाज ध्वनि नहीं निकलती। उसका गले का फंक्शन जो है नहीं हो पाता। देखो, नहीं बोलने का दो तरीका जो मैं ट्रेनिंग की हूँ उसमें से पता चला है। एक तो उनके बोलने का जो फंक्शन है यहाँ पर वो सही काम नहीं करता, दूसरा वो सुन नहीं पाता इसलिए बोल नहीं पाता। तो आप हमेशा देखेंगे मूक बधिर एक साथ होते हैं। बच्चे की श्रवण शक्ति अगर चली गई गर्भावस्था में जो भी स्थिति में, तो वो शब्दों को सुन नहीं पाता, केवल मुँह के हरकत को देखता है, तो मुँह को वैसे ही डुलाता है, आवाज़ नहीं निकाल पाता। तो जो सुन नहीं पाता वो बोल भी नहीं पाता है, ये अधिकतर देखने मिलता है। ठीक है, नमस्ते।